हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही बेटा आप सभी को? हाँ चलो, आज तो मैं बहुत टाइम पे आ गया हूं, मुझे लगता है ऐसा। क्या कहते हो बच्चों, कौन ज्यादा बोल रहा है? तो मैं तकलिया कर दूंगा कोई अगर ज्यादा बोला तो। हाँ बेटा मैं आ गया हूँ। 1 मिनट अगर पहले तुम लोग आ जाते हो ना तो कितनी खुराफात करते हो। हाँ वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। शुभेंद्र, धनंजय, कोमल, उदित, लवली, सबिस्ता, रुबेन, हेलो बच्चों। बेटा क्रैश कोर्स अपलोड करूंगा, परेशान मत हो, है ना। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दो, है ना। दिव्यो बेटा थोड़ा सा टाइम दो, है ना। अच्छा मैं 6 मिनट लेट हूँ, राहुल कुमार सिंह। अच्छा बहुत, तुम लोग इतना कैलकुलेशन अगर करते हैं ना अपनी पढ़ाई में तो तुमसे बड़ा टॉपर कोई हो नहीं सकता बच्चों। फैसल के छोटे भैया कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ दद्दा, आप सब लोगों की दुआएं हैं। शुभ कह रहे हैं चरण स्पर्श गुरु जी, खुश रहो बेटा, खुश रहो, नीट में सफलता हासिल करो। दिव्यो कह रहे हैं रुपए कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा। हाँ बेटा ये दिक्कत तो आ रही है ना, ये दिक्कत तो आ रही है गूगल के बेटा, टर्म एंड कंडीशन। अब क्या किया जाए, है ना, सब गूगल का ही है। जीमेल, यूट्यूब, है ना। कहाँ कहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं सारे आपको दिए गए हैं ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम। अनुभव पटेल के सर आप हीरो हैं। अच्छा अरे मेरे बच्चों। रूबेन के डोडू को क्रैश कोर्स रिकॉर्ड करने के लिए बोली है। अच्छा 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 रघुवेंद्र कह रहे हैं कि जब आप आते तो डिसलाइक वाले भी आ जाते हैं। चलो ठीक है बेटा, सबको थोड़ी बात पसंद आएगी, है ना। अब भाई जहां पे 200-400 लोग होंगे तो एक दो लोगों को बात अच्छी नहीं भी लगेगी, है ना। टिकटॉक बेटा नहीं चलाता हूँ मैं, टिकटॉक नहीं चलाता हूँ, टिकटॉक तो बैन भी हो गया है। और नालायकों लाइक तो कर दो जल्दी से, तुम सब लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग टाइम पे नहीं आते हो। हाँ स्मार्ट रेहन, रेहान करें सर स्मार्ट लग रहे हैं, स्मार्ट तो बेटा मैं बचपन से हूँ, है ना। अच्छा सुरेंद्र करें मेरा भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल है, वेरी गुड। चौधरी अनुभव पटेल कह रहे सर मुझे भी आपकी तरह स्मार्ट बनना है, क्या करूं, लव यू सो मच सर। बेटा बस आपको एक काम करना, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना उस दिन आप इस दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान होंगे, ठीक। मेरी बात मानिए, लोग आपके पीछे घूमेंगे कुत्ते की तरह, है ना। चलो जल्दी से लाइक करो। चाचा चाची जो भी हैं, दद्दा दीदी, सब लोग जल्दी से लाइक करो। बाबा बॉबी, है ना। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप, अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप तुम लोग। अच्छा मुझे ये बताओ, ये देखो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तो मैंने दे दिया है बेटा, देखिए कमेंट में। अब मुझे बस ये बता दो कि जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ वर्कबुक की और डीपीपी की, कितने बच्चे ऐसे जो कर रहे हैं सीरियसली, और नीट माता की कसम खा के बोलना ठीक है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कर रहे हैं इसको रेगुलरली? 3 मैंने चैप्टर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभिषेक करें सर आपके पीछे और कोई घूमता है? नहीं बेटा, बेटा 100 ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूं, अच्छे सवाल हैं, है ना। अलसबा कह रही कि सर सीरियसली कह रहे हैं अपनी कसम। अच्छा हर्ष भी कर रहे हैं, वेरी गुड। जितेंद्र कह रहे हैं करेंगे भी इसको। अच्छा
बेटा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कोई पे नहीं करना है। हाँ, जो यूट्यूब पे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन पे क्लिक करिए, तीन ऑप्शन आएंगे। वैसे कल से चौथा ऑप्शन भी ऐड हो रहा है। अच्छा, आप सबकी जानकारी के लिए एक बात और मैं बता दूं कि बेटा हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि अगले 70 डेज में जो बायो है आपकी, ठीक है, बायो केमिस्ट्री, बेटा बायोफिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बेटा ज्वाइन के तीन ऑप्शन का मतलब तीनों में कुछ अलग अलग चीजें मिलेंगी, है ना, वही ऑप्शन वहां पर दिया गया है। चलिए अब कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहली चीज तो ये बेटा कि प्लान हमने ये बनाया है कि बायो तीन चीजें करानी बेटा आपको, बायो जो मैं कराता ही हूँ, अमृता मैम भी कराती हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। आज जो लाइव सेशन मैंने दोपहर में किया था उसमें बच्चे कह रहे थे कि अनुराग सर से कि फिजिक्स के लिए, तो अनुराग सर से मैंने बोला है ना, वो तैयार भी हैं, तो कल वो मॉर्निंग में जो आपका सेशन लेंगे एनटीए का उसमें वो आपको बताएंगे भी। तो अभी प्लान ये है कि बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। बायो की बेटा फिलहाल तो तीन क्लास चल ही रही, दो क्लास मैं लेता हूँ और एक अमृता मैम, तीन क्लास चल रही, ये चलती रहेंगी, ठीक है। केमिस्ट्री में एक क्लास चल रही है जो एनटीए मॉक टेस्ट वाली, वो चलती रहेगी, और फिजिक्स में अनुराग सर एक क्लास और लेंगे, है ना। तो टोटल पांच क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, है ना। इसके अलावा तीन क्लासेस बेटा हम लोग जो ज्वाइन का ऑप्शन आपको दिया गया इसमें हम प्रोवाइड करेंगे तीन क्लास, और इसके लिए चौथा ऑप्शन मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जो ज्वाइन है उसमें अभी तीन ऑप्शन है बेटा, एक कल चौथा ऑप्शन ऐड हो जाएगा उसमें, उसका नाम है प्रीमियम कोर्स, ठीक है, प्रीमियम कोर्स। और तीनों सब्जेक्ट की जो फीस हम लोगों ने डिसाइड की है दैट इज 1199, ठीक है, इतना आप दे सकते हैं, ठीक है, 1199। ये तीनों सब्जेक्ट की फीस है बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अनुराग सर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कराएंगे, बायो मैं आपको कराऊंगा और अमृता मैम भी वीडियोस अपलोड करेंगी, ठीक है। तो ये प्रीमियम जो कोर्स है बेटा, देखिए यूट्यूब पे जो हम कर रहे हो तो हम करते रहेंगे कॉन्टिन्यूअसली, एनटीए का मॉक टेस्ट मैं कराता रहूंगा अगले 70 दिनों तक, जो हमारा यूनिट वाइज क्वेश्चन मैं दोपहर में 12 बजे कराता हूँ वो भी आपको कराता रहूंगा। लेकिन कुछ स्पेशल जो आप चाहते हैं, जैसे जिन बच्चों को लगता है कि हमें थोड़ा सा और कंटेंट चाहिए, तो उनके लिए स्पेशल एक प्रीमियम कोर्स की शुरुआत की जाएगी परसों से, ठीक है। कल से ज्वाइन में एक चौथा ऑप्शन आ जाएगा, ब्रॉन्ज सिल्वर और गोल्ड के अलावा नीट 2020 प्रीमियम के नाम से। तो उस नीट 2020 प्रीमियम को अगर आप परचेस करते हैं तो उसमें आपको ये एक्स्ट्रा वीडियोज भी मिल जाएंगे, क्लियर है बेटा। प्रीमियम में फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की ये तीनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मनीष सर बेटा अभी घर गए हुए फिलहाल तो, है ना, तो आते हैं फिर देखते हैं, उनसे भी करवा देंगे, जैसे मैं फिजिक्स मैं बायो कर रहा हूँ, अमृता मैम बायो कर रही हैं, तो फिजिक्स दोनों लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। बेटा देखिए दिव्यो, प्रीमियम में जो पेमेंट का ऑप्शन है वो डिसाइड करता है गूगल, है ना, गूगल डिसाइड करता है बेटा, वो हमारे बस में नहीं कि हम उसको डिसाइड करें। जैसे आप वेबसाइट में हमारी परचेस करते हैं तो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, ये गूगल के कंट्रोल में, और गूगल ने जो ऑप्शन दिया उसमें शायद वो इस तरीके से पेमेंट नहीं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ही ऑप्शन दे रहे हैं ना, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप देखिएगा कैसे मैनेज करेंगे। केमिस्ट्री की क्लास कल बेटा मॉर्निंग में होनी चाहिए, है ना। कल मैराथन, हाँ कल मैराथन होगी बेटा, एक क्लास तो मैराथन की कल होगी ही। चौधरी अमर पटेल कह रहे हैं सर पूरी कंप्लीटली यूनिट वाइज क्रैश कोर्स,
हाँ 3 यूनिट बेटा मैंने अपलोड कर दिया, बाकी यूनिट में अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि 6-7 घंटे की वीडियोस होती है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है एडिट करने में, है ना। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे केवल फिजिक्स करना हो, तो सरिता कह रही केवल फिजिक्स करना हो, तो बेटा इसके लिए तो मैंने सोचा नहीं अभी। तो ये जो प्रीमियम फीस है ये है एक ही सब्जेक्ट की, इसमें तीनों सब्जेक्ट आपको दिए जा रहे हैं, है ना। तो आपको मन होगा तो पढ़ लीजिएगा केमिस्ट्री और बायो भी, है ना। मैराथन के लिए बेटा कंप्लीट होगा, कंप्लीट मैराथन होगा कल, ठीक है। कंप्लीट मैराथन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सॉरी बायो में क्लास 11th और क्लास 12th दोनों एनसीईआरटी का होगा, ठीक है। अनुराग सर की क्लास, बेटा अनुराग सर आज गांव से आए हुए हैं, है ना, तो हो सकता है कल मॉर्निंग में क्लास लें वो, है ना, या नहीं लेंगे तो फिर वो कम्युनिकेट करेंगे आपसे इस बारे में। मैंने बात की है उनसे, है ना, मैंने कहा कि आपसे कम्युनिकेट करें, आपको बताएं कि किस तरीके से वो कराएंगे आपको, क्योंकि फिजिक्स में जो एनटीए का मॉक टेस्ट है मैंने उसके लिए भी बोला है अनुराग सर को, है ना। और इसके अलावा केमिस्ट्री का तो वो करा ही रहे हैं आपको, है ना। बाकी चीजें बेटा मैं बता दूंगा अभी, है ना। फिलहाल जो ज्वाइन किया है, जो जिन बच्चों ने, उनके नाम मैं अनाउंस कर देता हूँ फिलहाल, है ना, जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है अभी तक उनके नाम मैं बता देता हूँ। एक तो के आर वर्मा ने ज्वाइन किया है, गोल्ड मेंबरशिप, है ना। रवि ज्ञान ने सिल्वर ज्वाइन किया है और रोहित सिंह ने ब्रॉन्ज ज्वाइन किया है। तो फिलहाल 3 बच्चों ने अभी तक ज्वाइन किया है, और अभी ज्वाइन करने के लिए आप एक दिन का वेट कर सकते हैं, जब प्रीमियम आ जाएगा उसके बाद ज्वाइन करेंगे तो बाकी सारे ऑप्शन अपने आप आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करते हैं तो उसमें गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे, क्लियर बेटा। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेंगे, जब चौथा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा उसके बाद आप ज्वाइन करिएगा, तो बाकी ऑप्शन खुद ब खुद आपके ऐड हो जाएंगे। उसके लिए फिर अलग से आपको सिल्वर ब्रॉन्ज या गोल्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, काफी टाइम हो गया है। टेलीग्राम का 38 क्वेश्चन बोल दीजिए एक बार, टेलीग्राम का 38 क्वेश्चन बेटा। टेलीग्राम और जितने भी यूट्यूब पे कम्युनिटी में क्वेश्चन मैं कराता हूँ सबका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा चौधरी कह रहे हैं कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बिल्कुल बेटा हम लोग मिलेंगे, सिलेक्शन आप लेके आइए हम लोग मिलेंगे। बेटा अनुराग सर गांव गए थे, अक्षित आज आए हैं, है ना, तो उनकी क्लास चलेगी, परेशान मत होइए, कल से मोस्ट प्रॉब्ली उनकी क्लास शुरू हो जाएगी। एनटीए का मॉक टेस्ट नंबर 39 आज हम करने वाले हैं, ठीक है। 39 मॉक टेस्ट हम करेंगे, रैंडम पेपर एंड रैंडम क्वेश्चन रहते हैं बेटा, आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा पेपर होने वाला है, तो रैंडम पेपर भी होता है, मैं बताता नहीं हूँ पहले क्योंकि आप रट्टा मार के आओगे, और रैंडम क्वेश्चन भी होते हैं, वरना फिर आप एनटीए का ऐप खोलोगे और देख देख के आंसर बताना शुरू करोगे, है ना, इसीलिए रैंडम कराया जाता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं, चलो एडवर्टाइजमेंट तो काफी हो चुका है, अब शुरू कर दिया जाए, लेकिन आपकी भलाई के लिए तो है बेटा, है ना। चलो पीडीएफ नहीं था, किसमें बेटा पीडीएफ नहीं था, पीडीएफ किसमें नहीं था बेटा। क्रैश कोर्स बेटा कंप्लीट करवा दूंगा, 4 ही चैप्टर तो बाकी, क्यों तुम लोग ध्यान दिए दे रहे हो, अभी 34 चैप्टर तो पढ़ लो नालायकों, 4 चैप्टर बाकी मैं करा दूंगा, मेरा गला थोड़ा सा सही हो जाए, है ना। तेजमान कह रहे ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, बेटा ऑब्जेक्टिव बायोनीट आप कर लो सबसे बढ़िया है, मैंने ही लिखी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर प्लेस्ड इन द सेम फैमिली बट डू नॉट हैव सेम जीनस। कह रहे फैमिली सेम होनी चाहिए लेकिन जीनस सेम नहीं होना चाहिए, फैमिली सेम हो लेकिन जीनस सेम ना हो, चलो बताओ। फैमिली सेम, जैसे डॉग की फैमिली क्या है, डॉग की फैमिली है कैनिडी और कैट की फैमिली है फेलिटी, तो अलग-अलग फैमिली के हो गए, है ना। टाइगर की फैमिली क्या है, फेलेटी, डॉग की फैमिली कैनेडी, ये भी अलग अलग हो गए, डॉग की फैमिली कैनेडी, लायन की फैमिली फेलेटी, ये भी अलग अलग हो गए, कैट की फैमिली फेलेटी और लेपर्ड की फैमिली भी फेलेटी, तो दोनों एक ही फैमिली के। अब कैट का जीनस क्या है बेटा, कैट के जीनस की अगर हम बात करें दैट इज फेलिस, और लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड का जीनस क्या है, पैंथेरा। तो कैट और लेपर्ड एक ही जीनस के नहीं है लेकिन दोनों एक ही फैमिली
फैमिली से बिलोंग करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बेटा सीखने की कोशिश करिएगा और प्लीज 70 दिन का टाइम है तो अब इसको यूटिलाइज करिएगा, इसको यूटिलाइज करिएगा, क्योंकि अब फिर से सोने की कोशिश मत करिएगा कि अब है ना बहुत सारे बच्चे एकदम सुकून में आ गए, तो ये काम मत करिएगा। ये 70 दिन आपको जो मिले हुए हैं बहुत मेहनत से मिले हुए हैं, है ना, 10 दिन पूरा हम लोग लगे रहे हैं, और केवल मैं हम लोग की बात नहीं करें, बहुत सारे अलग अलग चैनल पे भी बहुत सारे कैंपेन चलाए गए और उसकी वजह से हम लोगों को ये सफलता मिली है। तो इसको यूटिलाइज करिए बेटा और नीट 2020 में सेलेक्ट हुई, बहुत बड़ा मौका आपको मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर जे करें फिजिक्स आप पढ़ा दो। बेटा बायो पढ़ा लूं यही बहुत है। विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सीन इन द ब्रिंजल प्लांट। ब्रिंजल प्लांट में लेग्यूम फ्रूट होता है, लेग्यूम फ्रूट तो फेबेसी में होता है बेटा ना, अल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर भी होता है, हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, बाइकार्पिलिस सिनकार्पस गाइनोशियम होता है, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड नहीं होते, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। अच्छा फ्रूट यहाँ पर कौन सा होता है, बेरी, है ना, बेरी, बेरी फ्रूट पाया जाता है। तो लेग्यूम फ्रूट गलत है और एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, नॉन लिखा हुआ है। तो कितने सही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कोई डाउट हो आप पूछते रहिएगा, साथ ही साथ हम उसको निपटाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। 2 कोर टेक्निक है जिनके द्वारा मॉडर्न बायोटेक का जन्म हुआ है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है ये किसका पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इनमें से बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का पार्ट कौन सा है। तो एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, ये वाला जो बी ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, और जो सी ऑप्शन है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। द प्रपोर्शन ऑफ एसिमिलेटेड एनर्जी कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज हाइस्ट इन। कल बेटा एनसीईआरटी के करेक्शन करा दूं मैं आपको, बताइए, कल एनसीईआरटी के करेक्शन में सारे करा दूं, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन अभी आपने किया ना बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वाला, ये क्वेश्चन भी अगर आपकी एनसीईआरटी करेक्शन वाली तभी उसमें लिखा मिलेगा, वरना ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एनटीए वाला पीडीएफ ठीक है बेटा प्रोवाइड करा दूंगा। द प्रपोर्शन ऑफ एसिमिलेटेड एनर्जी कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज हाइस्ट इन, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा जैसे जैसे आप देखिए प्रोड्यूसर से आप हर्बीवोर में जाएंगे, हर्बीवोर से कार्निवोर में जाएंगे, तो एनर्जी घटती चली जाएगी। और एनर्जी घट क्यों जा रही है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है ना। तो करें कि द प्रपोर्शन ऑफ एसिमिलेटेड एनर्जी कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज हाइस्ट इन। तो अगर एनर्जी घटती जा रही मतलब रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी का यूज किया जा रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कार्नी ओर के लेवल पर जो रेस्पिरेशन में एनर्जी का कंजम्पशन है वो सबसे ज्यादा होगा, और प्रोड्यूसर के लेवल पे सबसे कम कंजम्पशन होगा एनर्जी का। क्लियर है बेटा, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, क्योंकि बहुत सारे सवाल एनटीए के मॉक टेस्ट में आपके एनसीईआरटी के बाहर से भी रहते हैं। चलो, इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन इन ह्यूमन डाई सल्फाइड बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन। प्रो इंसुलिन में पूछ रहा है बेटा, प्रो इंसुलिन में 3 चेन होती हैं, ए बी और सी। तो आपसे पूछा है कि ए बी और सी चेन में, जैसे ये ए चेन हो गई, इसके बाद ये बी चेन हो, ये सी चेन हो गई, ठीक है, और ये बी चेन हो, जो सी चेन होती है वो बीच में होती है बेटा, ए और बी के बीच में सी चेन होती है। तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है बेटा वो ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो बिटवीन ए एंड बी पेप्टाइड, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ए और बी पेप्टाइड के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव ए ग्रेटर परसेंटेज ऑफ वेट इन द ह्यूमन बॉडी देन परसेंटेज वेट इन द अर्थ क्रस्ट।
अच्छा बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप जाइएगा www.neetbooster.com पे, ठीक है, neetbooster.com पे आप जाइएगा। और यहां पर जाने के बाद आपको ई लर्निंग पे जाना है, ई लर्निंग पे आप जाएंगे और ई लर्निंग पे जब आप जाएंगे तो आपको बायोलॉजी टेस्ट सीरीज दी गई है। उस टेस्ट सीरीज में पूरे 38 चैप्टर के आपको 20-20 25-25 क्वेश्चन के सेट मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको टेस्ट का रिजल्ट भी तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें कहा है कि ह्यूमन बॉडी में कौन ज्यादा है, तो ह्यूमन बॉडी में कौन ज्यादा होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होती है अर्थ क्रस्ट की तुलना में। तो देखिए कौन कौन दिया गया, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो कितने हो गए, 5 एलिमेंट हो गए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्लियर बेटा? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल एक्स इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन और ब्रांचिंग ऑफ वाई, करें एक्स का फॉर्मेशन वाई के ब्रांचिंग से होता है, विच वन इज एन एक्सेप्शन। तो चलिए देखिए, मतलब आर्टरी की ब्रांचिंग होने से आर्टेरियोल बनेगा, इसका कहने का मतलब है कि आर्टरी में अगर ब्रांचिंग होगी तो आर्टेरियोल बन जाएगा। अच्छा ठीक है, ये सही है। आर्टेरियोल में ब्रांचिंग होगी तो कैपिलरी बन जाएगी, ये भी सही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, अरोटा में ब्रांचिंग होगी तो आर्टरी बनेगी, ये भी सही है। अरोटा से ब्रांचिंग होने पर आर्टरी बनती है, आर्टरी से ब्रांचिंग होने पर आर्टेरियोल बनता है, आर्टेरियोल से ब्रांचिंग होने पर कैपिलरी बनती है, लेकिन वेन की ब्रांचिंग से वेन्यूल नहीं बनता है, बल्कि वेन्यूल से वेन बनती है ना, वेन्यूल, कई सारी वेन्यूल मिलकर वेन का फॉर्मेशन करती है। तो इसका मतलब जो सी स्टेटमेंट आपको दिया गया है ये गलत है, वेन की ब्रांचिंग से वेन्यूल नहीं बनता है, बल्कि वेन्यूल के मिलने से वेन का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए टू सेल्ड पॉलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म द लार्ज सेल विद इरेगुलर न्यूक्लियस, तो टू सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन में जो लार्ज सेल होती है दैट इज वेजिटेटिव सेल, स्मॉल वाली जनरेटिव होती है, लार्ज वाली वेजिटेटिव सेल होती है बेटा। और ये जो वेजिटेटिव सेल है इसके बारे में पूछा गया है कि वेजिटेटिव सेल क्या करती है, वेजिटेटिव सेल डज नॉट डिवाइड बट फॉर्म द पॉलन ट्यूब, ये डिवाइड नहीं करती लेकिन पॉलन ट्यूब बनाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जनरेटिव सेल के बारे में तो जनरेटिव सेल के लिए ऑप्शन आप क्या करते हैं, ए डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमेट, जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाती है, जबकि वेजिटेटिव सेल डिवाइड नहीं करती है और ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती, पॉलन ट्यूब को बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, द प्लांट डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम विच रिप्रेजेंट ए सेक्सुअली थ्रू लीव्स, लीफ के द्वारा ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती, कौन सा फिगर है, ब्रायोफिलम का फिगर आपको दिया गया है। इन प्लांट द कलर ऑफ ग्रेन इज कंट्रोल्ड बाई 3 जीन्स लोकेटेड ऑन द सेपरेट क्रोमोसोम, जीन सी एंड आर इंडिपेंडेंटली डू नॉट फॉर्म एनी कलर, व्हेन टुगेदर दे इंपैक्ट ग्रीनिश ब्राउन कलर टू द स्टेम व्हाइल द ग्रेन रिमेन कलरलेस, इन प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल एलील कैपिटल ए द स्टेम एज वेल एज ग्रेन बिकम वायलेट, दैट इन ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, जब 3 जीन होते तो उसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, फिनोटिपिक रेशियो इज एक्सपेक्टेड इन ग्रेन, ठीक। अब जरा समझिएगा, कह रहे हैं कि जब फिनोटिपिक रेशियो एक्सपेक्टेड इन ग्रेन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में आपसे पूछा है, तो इस केस में बेटा क्या हो जाएगा कि देखिए कलर के लिए क्या जरूरी है, सी आर और ए तीनों का होना जरूरी बेटा, ठीक है, तीनों का होना जरूरी है। अगर सी और आर एक साथ आते हैं और ए नहीं रहता है तो उस कंडीशन में ग्रेन कलरफुल नहीं होते हैं, यानी कलरफुल तभी होंगे जब तीनों डोमिनेंट एलील एक साथ मौजूद हों, ठीक है, तीनों डोमिनेंट एलील एक साथ मौजूद हों। अब देखिए,
ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए मैं सिंपली यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं कि स्मॉल सी और स्मॉल सी का अगर क्रॉस आप कराओगे तो इसमें एफ टू जनरेशन में कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल सी आपको मिलेंगे 1:2:1 के रेशियो में। इसका मतलब है कि चार में से तीन प्लांट ऐसे होंगे जिनमें कैपिटल सी यानी डोमिनेंट एलील होगा, और तीनों डोमिनेंट एलील जब होंगे तो उस कंडीशन में फॉर्मेशन होगा किसका बेटा, तभी उस कंडीशन में ग्रेन कलर्ड होंगे। तो अब अगर 3 बाई 4 ये वाले 3 बाई 4 ऐसे हैं जिनमें एक डोमिनेंट सी है और ये वाला स्मॉल सी वाला हो गया, ऐसे ही अगर हम कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर से कराएंगे तो यही कंडीशन हमें मिलेगी, यानी 3 बाई 4 ऐसे होंगे जिनमें कैपिटल आर होगा, ठीक ध्यान से समझिएगा। और अगर हम कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल स्मॉल ए से कराएं तो उस केस में भी 3 बाई 4 ऐसे होंगे जिनमें कैपिटल ए यानी डोमिनेंट एलील होगा। तो ये तो मैंने अलग अलग बता दिया, अब तीनों को मैं क्या करूं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 3 बाई 4 × 3 बाई 4 × 3 बाई 4 ये कितना आ जाएगा 3 बाई 4 3 बाई 4 3 बाई 4 ये आ जाएगा 27/64 यानी 27। देखिए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में ये तो आप जानते हैं कि जो फिनोटाइप होंगे बेटा वो फिनोटाइप 64 टोटल प्रोजिनी बनेंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 64 प्रोजिनी का फॉर्मेशन होगा। और 64 प्रोजिनी में देखिए 27/64 और ये जो 27 है बेटा इनमें डोमिनेंट एलील जरूर मौजूद होगा, ए आर और सी तीन होगा। तो 64 में से 27 बेटा ऐसे होंगे जो कलर्ड होंगे और बाकी बचे 37 64 में से ये कलरलेस हो जाएंगे, क्योंकि 27 ऐसे प्लांट आपको मिलेंगे बेटा यहाँ पर जिनमें कैपिटल ए कैपिटल आर और कैपिटल सी जरूर मौजूद होगा। अब इसको नॉर्मली अगर आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बना के करेंगे तो ये बहुत कठिन हो जाएगा, आप 64 प्रोजनी एग्जाम में नहीं बना सकते, इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। अब एनटी वालों ने बनाया क्या किया जाए, है ना। चलो, विच ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो स्टेट द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक साइंटिस्ट के द्वारा कोई एक्सपेरिमेंट किया गया था, है ना, एक ओपन यहाँ पर जार दिखाया गया, इसके अंदर मीट रखा हुआ है ना, और फ्लाइज यहाँ अंदर दिखाई दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इसको अगर गाज से बंद कर दिया जाए तो जो मैगट है यानी लार्वा है वो अंदर नहीं पहुंच पाते हैं मीट तक, तो ये किसका एक्सपेरिमेंट है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट है फ्रांसिस्को रेडी का एक्सपेरिमेंट है बेटा। लुईस पाश्चर की बात करें तो उन्होंने तो ईस्ट का यूज किया था ना, याद करें उन्होंने तो ईस्ट का यूज किया था, और ईस्ट मीट तो होता नहीं, मीट तो जानवर से मिलेगा, तो बेटा बेचारे फंजाई है एक सेल का, इससे मीट तो बनेगा नहीं, तो ये एक्सपेरिमेंट फ्रांसिस्को रेडी का है बेटा, ये लुईस पाश्चर का नहीं है, ठीक है, लुईस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट नहीं, उनका एक्सपेरिमेंट था स्वान नेक फ्लास्क, याद है ना, फ्लास्क था उसमें, ऐसा एक फ्लास्क था और उस फ्लास्क में कुछ ऐसी स्वान नेक है ना, याद है ना, हंस के गर्दन की तरह का, तो वो अलग एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। एनटीए खेल गया इस क्वेश्चन में, आप सब लोग जाके गिरे हो सी ऑप्शन पे, अब बदलने से कुछ नहीं होगा बेटा, अब ए ऑप्शन करने से कुछ नहीं होगा, अब तीर कमान से गया निकल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवेन इन द ऑप्शन इज करेक्ट, चलिए देखिए जरा बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन एंड समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन, बिल्कुल मैंने कोड बताया था एच डब्ल्यू का मतलब मैंने क्या बताया था, हाइबरनेशन को विंटर स्लीप कहते हैं, और बाकी का कोड मत बनाइएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा कि अगर हाइबरनेशन विंटर स्लीप है तो जो एस्टिवेशन होगा वो समर स्लीप हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, द यूनिट टू मेजर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर पर ग्राम स्क्वायर, है ना, पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, ये दो तरीके हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन आपको दिया गया बेटा वो बी ऑप्शन यहां पर केवल सही होगा प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए। ए फ्लावरिंग प्लांट विद स्कुटिलम इन इट्स सीड हैज, तो स्कुटिलम कहाँ पाया था बेटा, मोनोकॉट में, है ना, मोनोकॉट के सीड में जो
कॉटिलेडन होता है उसे स्क्यूटलम कहते हैं, और जो मोनोकॉट है उसमें ओव्यूल कैसा होता है बेटा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्यादातर जो एंजियोस्पर्मिक या फ्लॉरिंग प्लांट होते हैं उनमें दो इंटिगमेंट पाए जाते हैं ना, दो इंटिगमेंट पाए जाते हैं, तो बाईटेगमिक ओव्यूल होगा। यूनिटेगमिक ओव्यूल जनरली कहाँ पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन में वो कहा था कि फ्लावरिंग प्लांट, तो जैसे वो फ्लावरिंग प्लांट कहेगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाईटेगमिक। हाँ खूब कर लो यूनिटेगमिक, खूब किए रहो आंसर नालायक हो। ये मैं एनटीए के मॉक टेस्ट में ही करा रहा हूं, नहीं एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है बेटा, लेकिन एनटीए के मॉक टेस्ट में ही मैं करा चुका हूं, उसके बाद ये हालात हैं तुम लोगों के। एनटीए के जो मॉक टेस्ट मैंने कराए कि उनको मर्ज करके एक ही वीडियो बना दूं उनकी, ताकि तुम लोग एक बार में रिवाइज कर लो 3-4 हजार क्वेश्चन। अरे नालायकों, कम से कम 3-4 हजार क्वेश्चन मैंने एनटीए के करवा दिए तुम लोगों को। चलो रेसरपीन, ये एनसीईआरटी में रेसरपीन तो दिया गया है। द एक्टिव केमिकल प्रोड्यूस बाय रॉल्फिया ओमिटोरिया इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, ये तो आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी में दिया गया कि रॉल्फिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन इससे मिलने वाला जो रेसरपीन केमिकल है यूज किस में किया जाता है ये बस बता दो। रेसरपीन केमिकल का यूज कहाँ किया जाता है बेटा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। Which of these ape is similar smallest in size? इनमें से कौन सा ऐसा एप है जो सबसे छोटा है, साइज जिसका सबसे छोटा है, तो जो गिब्बन होता है बेटा दैट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, इन चारों में गिब्बन सबसे छोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड हैज बीन इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट इंडिया सिंस 2017, ये भी करेक्शन करके एक नई टेबल एनसीईआरटी में दी गई है, अभी लेटेस्ट अगर आपकी नई बुक होगी तो उसी में आपको दिया गया है। तो बताओ 2017 से कौन सा नॉर्म फॉलो किया जा रहा है, कौन सी स्टेज चल रही है हमारे देश में, फोर व्हीलर के लिए, थ्री व्हीलर के लिए और टू व्हीलर के लिए कौन सा नॉर्म चल रहा है। फोर व्हीलर के लिए भारत स्टेज फोर, थ्री व्हीलर के लिए भारत स्टेज फोर और टू व्हीलर के लिए भारत स्टेज फोर 2017 से लागू है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा बेटा। कल क्या मैं एनसीईआरटी के करेक्शन आपको दोपहर में 12 बजे करा दूं, जल्दी से बताओ सब लोग, क्या एनसीईआरटी के सारे करेक्शन कल मैं कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि मैंने आपको 3 यूनिट के करेक्शन करवाए हैं, कुछ यूनिट के करेक्शन रह भी गए हैं, क्या आप चाहते हो उनको करवा दिया जाए। 1-1.5 घंटे लगेगा, कल सारा कंप्लीट कर देते हैं। अरे बेटा नो क्यों कह रहे हो कुछ लोग, अरे तुमको नहीं करना तो ना करना, ये भी तो है ना भाई, तुम्हें करेक्शन नहीं करना, तुम्हारा मन नहीं है करेक्शन करने का वाले, तो तुम ना करना, बाकी को तो कर लेने दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मेरा मन अच्छा, कल मैं करवा देता हूं, मेरा मन तो ये करा कि कल करेक्शन करवा दिया जाए, है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्ट इन द वार्मिंग ऑफ क्लाइमेट, सही है। ब्लॉकिंग अर्थ हीट फ्रॉम स्केपिंग इन टू स्पेस, ये भी सही है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ विच सस्टेन लाइफ, बिल्कुल, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता ना तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, जो कि इस समय कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, और ये किसकी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, तो करेक्ट आंसर ऑल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए 19 पे आ जाओ। द मीडिया स्टाइनम इज ए स्पेस, मीडिया स्टाइनम एक स्पेस है बेटा। देखिए मीडिया स्टाइनम वो स्पेस है जो दोनों लंग्स के बीच में होता है ना, जैसे ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड करती है इस तरीके से और डिवाइड करके ये लंग्स बन जाते हैं ना, और इन्हीं दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर ये जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड मीडिया स्टाइनम, और इसी स्पेस में कौन सिचुएटेड है, हार्ट, यहीं पर आपका छोटा सा नन्हा मुन्ना सा दिल होता है ना, जो कि बहुत परेशान रहता है ना, किसी को देखा तुरंत हुआ परेशान, है ना, हर चीज में इसी का दोष दे दिया जाता है कि दिल क्या करे जब किसी को, है ना, तो हर जितनी भी जिम्मेदारियां सब दिल के ऊपर डाल दी गई कि दिमाग नहीं दिल से सोचो। अबे दिल से कौन सोचता है, दिल के पास कौन न्यूरॉन है, कैसे सोच लेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ए, ऑन द राइट साइड ऑफ द लेफ्ट लंग, भाई अगर ये लंग आप देखेंगे तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया,
तो राइट लंग के लेफ्ट साइड में और लेफ्ट लंग के राइट साइड में, ठीक है, लेफ्ट लंग के राइट साइड में और राइट लंग के लेफ्ट साइड में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड मीडिया स्टेनम और इसी में हार्ट सिचुएटेड होता है। क्लियर? मतलब हर चीज दिल के ऊपर डाल दी गई कि मेरा दिल ऐसा कह रहा है। अबे दिल कैसे कह सकता है, दिल के पास मुंह है क्या? दिल ऐसे कह रहा है, एक काम है बेचारा उसी में लगा रहता है, 1 मिनट 72 बार धड़कता है, हाँ? फिर कहते हैं दिल धोखा दे देता है, दिल धोखा देता है, करो सब तुम और धोखा दिल दे देगा। ऐसे थोड़ी होता है, किसी भी ऑर्गन पे आप ऐसी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हो, ऐसे ऐसे दोस्त थोड़ी लगाते हैं। विच ऑफ दिस कैरेक्टर सेलेक्टेड बाई मेंडल लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम? बेटा देखिए, मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे बेटा, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता तो 7 जीन लिए थे, और ये 7 जीन बेटा लोकेटेड थे कितने क्रोमोसोम पे? 4 क्रोमोसोम पे। ये 7 जो कैरेक्टर के जीन थे बेटा वो 4 क्रोमोसोम पे थे, और ये क्रोमोसोम कौन है? 1, मैं देख लेता हूं क्योंकि मुझे भी याद नहीं, 1347, ठीक है, ये भी याद कर लेना तुम लोग, 1347, ठीक है। इन 4 क्रोमोसोम पे जो मेंडल ने कैरेक्टर लिया तो यहां पर जो फ्लावर कलर और सीड कलर का कैरेक्टर है वो सेम के ऊपर लोकेटेड था, 1347। 1347 भी याद कर सकते हो, एक होता है AK-47, सुना है AK-47, तो AK-47 की जगह पर कह दो अरविंद केजरीवाल का नहीं 1347, है ना, अरविंद केजरीवाल का 47 नहीं 1347, ऐसे याद कर लो, है ना, नहीं 1347 ही बेटा, अच्छा तो एक मिनट देख लेता हूं मैं फिर। अच्छा 1457, सॉरी कोड भी तुम लोगों को मैंने पहले बता दिया। अरे तो ऐसे कर लो ना बेटा, 1857 था 1457 कर लो उसको, ठीक है। तुम लोग कहोगे सर रहने तो कोड तुम बना नहीं पाओगे, है ना, तो 1457 की जगह पर 1857 की जगह पे 1457 बना लो। मंगल पांडे लड़ाई कब की थी पता चला, 1457 याद किए पड़े, है ना। बोले मुझे नहीं याद है तो तुम लोगों को कहां से याद होगा, ठीक 1457 हो जाएगा, ठीक है चलो 1457 फाइनल है, ठीक है। बेटा हर्ट तो हर्ट में न्यूरॉन सप्लाई पाई जाती है ना, चलो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन ह्यूमन एज, ह्यूमन में नॉर्मल जीएफआर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? चलो जीएफआर की वैल्यू बता दो मुझे, तुम लोग जीएफआर की वैल्यू बताओ, सही बताना ठीक है, और ऐसे तुक्का मत लगाना। चलो ये देखो क्या कर रहे हो तुम लोग, 125 ml/min बाई बोथ द किडनीज टेकन टूगेदर। एक किडनी का नहीं होता जीएफआर, कार्डियक आउटपुट की जब बात करते हैं तो ईच वेंट्रिकल होता है, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम ईच वेंट्रिकल होता है, लेकिन जीएफआर दोनों किडनी का मिला के होता है बेटा मेरे नालायक बच्चों, गिलास पे तुम लोग की नजर रहती है कि सर गिलास स्टील का है कि कांच का है, पढ़ने पे नजर नहीं है ना, लाइक उसमें ईच किडनी लिखा देखो तो,
अभी जिसकी एक किडनी से होगा तो 62.5 हो जाएगा ml, 62.5 ml हो जाएगा ना उस कंडीशन में। दोनों किडनी से होता है बेटा 125 ml। थ्री बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, इंडिया के तीन बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट कौन से हैं? मैंने बताया था WHI है ना, WHO है, और एक मैंने बनाया WHI, दिस इज वेस्टर्न घाट, हिमालया एंड इंडो बर्मा रीजन। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो गया, करेक्ट है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज इन एन आइलैंड हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 200 पीपल, 98 पीपल सफर फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाउ मेनी पीपल आर कैरियर ऑफ दिस डिजीज। अच्छा तो सिस्टिक, अच्छा है तो खुद कह दिया कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, और 200 पॉपुलेशन है जहां पर 98 लोगों को बीमारी है। तो बीमारी कब होगी? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होने का मतलब क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होने का मतलब कि तीन तरह के पर्सन होंगे, देख ठीक ध्यान दीजिएगा। एक हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल सी भी आप मान सकते हो, कैपिटल बी भी मान सकते हो। एक कैपिटल बी मान लो, एक कैपिटल बी स्मॉल बी मान लो, और एक स्मॉल बी मान लो, ठीक है। अब ये वाला होमोजाइगस हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये होमोजाइगस हो जाएगा डोमिनेंट, ये हो जाएगा हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस, और हेटरोजाइगस ही क्या है, कैरियर हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव। और जो होमो, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है ऑटोसोमल, तो दोनों जब यहां पर एलील रिसेसिव होंगे तभी डिजीज एक्सप्रेस होगी, तो होमो रिसेसिव वाला ही क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, इसी को बीमारी है, ठीक। अब देखिए आप हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी कौन बताता है, पी स्क्वायर, कैपिटल बी स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी 2PQ, और स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी क्यू स्क्वायर हो जाएगी। आपसे क्या कहा, 98 पीपल सफर फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस का मतलब ये पर्सन, इनकी बात हो रहा है, इनको बीमारी है। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू स्क्वायर आपको निकालना है, तो 98 पीपल है बेटा सफर करें, टोटल पॉपुलेशन है 200, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, दैट इज 0.49, 0.49 आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, क्यू की वैल्यू यहां से निकाल लोगे 0.7, और आप तो जानते हैं कि पी प्लस क्यू टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से आप निकाल लोगे पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 0.3, क्योंकि पी प्लस क्यू मिला के होना चाहिए 1, तो अगर क्यू आपने निकाल लिया है तो पी भी आपका निकला है 0.3। अब आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी आर कैरियर, तो कैरियर कौन है, जो हेट्रोजाइगस है वो कैरियर है, हेट्रोजाइगस ही कैरियर होता है ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में, ठीक है। तो 2PQ आपको निकालना है, तो देखिए 2PQ, तो 2 आपको पी मिल ही गया है 0.3, क्यू आपको मिल गया 0.7, कितना जाएगा, 7 × 21 = 42, ये तो फ्रीक्वेंसी आई। अब आपको इंडिविजुअल का नंबर निकालना, तो जो टोटल पॉपुलेशन दी गई, मैंने पहले ही बताया टोटल पॉपुलेशन जो दी गई उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2 × 4 और 4 × 8, 84 इंडिविजुअल आ जाएगा, 84। अगर इस क्वेश्चन में कहता हाउ मेनी इंडिविजुअल आर नॉर्मल, तो आप यहाँ पर पी स्क्वायर, ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, यहाँ पर ये वाले कैरियर हैं और ये वाले अफेक्टेड हैं, और कोई भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हमेशा इसी कॉन्सेप्ट का आप यूज करोगे, तो 84। अच्छा जैसे ही मैंने यहाँ पर 0.42 निकाला, तुम लोगों ने तुरंत तुरंत, अच्छा तुम लोगों ने तुरंत 42 कर दिया कि 100 से मल्टीप्लाई कर दे, क्यों 100 से करोगे, अबे जब वो कह रहा है 200 पर्सन है तो 100 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, 84 होगा ना, 84 होगा। और अगर आपसे पूछता कि कितने नॉर्मल इंडिविजुअल होंगे, तो पी स्क्वायर कर लेते, पी स्क्वायर करते तो 0.3 का स्क्वायर करते तो आ जाता, 0.3 का स्क्वायर करते तो कितना आ जाता, दैट इज 9 आ जाता, 0.09, और 0.09 को 200 से मल्टीप्लाई करते तो 18 आंसर आता, अगर ये वाला पूछता तो 18 आपका आंसर होता, क्लियर। बेटा
भूमिका करें फिजिक्स वाले ऐसा क्वेश्चन क्या बनाएंगे जो बायो में बन रहा है, और सर सॉल्व कर करके भी दिखा रहे हैं ना। तुम लोग हाँ सही कह रहे हो, कैमिलियन की फैमिली के हो, तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलते हो है ना, इतने नकलची हो तुम लोग, इतने नकलची हो कि जैसे देखा कि सर ने निकाला है 0.42, तुरंत कहा ए आंसर सर, ए आंसर होगा सर, ए आंसर होगा। अबे टोटल नंबर तो देखो, अभी पिक्चर अभी बहुत बाकी है, तुम लोग सीख लो बच्चों, सीख लो वरना क्या करोगे। एनटीए कहीं ऐसा पेपर बना देगा नीट में तो 24 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम लोग, जो ये 84 84 करने के सोचते हो ना, 84 सही होंगे, 85 सही होंगे। आप लोग अपना स्कोर कार्ड कैसे बनाते हो कि नीट अच्छा 720 नंबर का है, और बायो में तो चलो कम से कम मान लेते हैं तो 340 तो आ ही जाएगा, 355 56 भी आ सकता है, लेकिन चलो 2 4 क्वेश्चन हम मान लेते गलत हो जाएगा। तो इतना तो आ गया कहां पर, बायो में आ गया आपका, ठीक। फिर कहते केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री 180 नंबर की होती है और 165 70 तो मिल ही जाएगा, अनुराग सर पढ़ा रहे हैं ना, 170 यहाँ पे मिल जाएगा। फिजिक्स थोड़ी सी कमजोर है तो फिजिक्स में तब भी मान लो कि 130 40 नंबर तो आ ही जाएगा है ना, फिर आप इसको जोड़ लेते हो है ना, 7 4 11 4 15 और फिर 3 2 5 1 6, और कहते हैं 650 मैंने जोड़ा है, और गिरते पड़ते अगर 10 20 50 नंबर कम भी होगा तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ऐसे कैलकुलेशन होता है। अब ये नहीं जानते कि ये जो बायो में 340 लाने के लिए रगड़ना कितना है, और ये फिजिक्स में 140 जो जोड़ के बैठे हो, यही से आ जाएगा, हवा में आ जाएगा। हाँ इसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना बच्चों, है ना। तो अभी हमारे पास 70 दिन का टाइम है, और 70 दिन अगर अच्छी तरीके से कर लोगे तो ये 650 क्या 710 भी आ जाएगा, 720 भी आ जाएगा। तो कैलकुलेशन तो ऐसे रहते हैं कि 650 तो आ ही जाएगा, और बायो में तो हमने 340 ही जोड़े हैं, 360 भी तो आ सकता है, तो 670 भी आ सकता है ना। कैलकुलेशन ऐसा रहता है, पढ़ाई कुछ नहीं करनी है ना, पढ़ाई कुछ नहीं करनी है, प्लानिंग रोज बनाएंगे, प्लानिंग बना के सो जाएंगे। चलो हाइड्रॉक्स सक्सेशन में पूछा है, हाइड्रॉक्स सक्सेशन में पूछा था स्टेज विच कम इमीडिएटली आफ्टर सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट सिस्टम। सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग के जस्ट बाद कौन आता है, दैट इज रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प के बाद मार्स मीडो, मार्स मीडो के बाद स्क्रब, और फिर फॉरेस्ट, तो आप जानते हैं फाइनल स्टेज होती। तो इन तीनों को याद करने का तरीका आरएमएस, कभी गलत नहीं होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कुछ याद है, आरएमएस। तो रीड स्वैम्प आता है, फिर मार्स मीडो आता है, और फिर स्क्रब आता है, इसीलिए मुझसे कभी गलत नहीं होता है ना। फ्री फ्लोटिंग पूछा है तो फ्री फ्लोटिंग के बाद रीड स्वैम्प, मार्स मीडो, स्क्रब एंड देन लास्ट इज फॉरेस्ट, तो आखिरी के चार तो आसानी से याद हो गए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग दिस पॉइंट डिड डार्विन बिलीव, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज एन इंटरनल वाइटल फोर्स दैट टेंड टू इंक्रीज इट्स साइज अप टू ए सर्टेन लिमिट। ये लैमार का कॉन्सेप्ट था, कभी सुना ही नहीं होगा आपने। वेरिएशन अपीयर ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप में चेंज होने की वजह से वेरिएशन आती है, ऐसा जरूर नहीं बेटा, मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो होते हैं वो भी वेरिएशन क्रिएट करते हैं। द ऑर्गन पुट आउट मोर विल डेवलप मोर वाइल ऑर्गन नॉट यूज बिगिन टू डिजनरेट। तो कहीं जिन ऑर्गन का ज्यादा हो तो ज्यादा डेवलप होते हैं, तो लैमार्क ने यूज एंड डिसयूज ऑर्गन बताया था बेटा। अच्छा, ऑल लिविंग सेल प्रोड्यूस माइन्यूट पार्टिकल विच पास इन टू जर्म सेल फॉर ट्रांसमिशन टू ऑफ स्प्रिंग। ये डार्विन का कॉन्सेप्ट, और इसका नाम बता सकते हो क्या है, ये कौन सी थ्योरी थी। मैं ये बता सकता हूँ कि जो माइन्यूट पार्टिकल कहा था उन्होंने, इन माइन्यूट पार्टिकल का नाम था पैन जीन। अब तो बता दो ये डार्विन की कौन सी थ्योरी थी जिसे डिस्कार्ड कर दिया गया। वर्तिका कह रही कि 84 नंबर आएगा। अगर ऐसा पेपर रहा है ना, 24 क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, ये क्या है 24? अच्छा, इसका आंसर ही नहीं बताया मैंने। ओके ओके बच्चे, चलो 24 का आंसर जान लो, मेंडल हेरिटेबल फैक्टर। फैक्टर बेटा क्या है, जीन, और जीन अगर जीन की बात करें तो जीन
जीनोटाइप को तो इन्फ्लुएंस ही करता है, और जीनोटाइप में चेंज आएगा तो फिनोटाइप में भी चेंज आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो 26 पे आ जाओ। थ्योरी कौन सी है? यस, थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पेनजीन नहीं, देखो ना लाइक इतने तुम लोग तुरंत नाम रख दिए, थ्योरी ऑफ पेनजीन नाम रख दिए, कोई थ्योरी ऑफ पेनस्पर्मिया रख दिया, कोई थ्योरी ऑफ पैन रख दिया। अरे ना लाइक, अरे ना लाइक, थ्योरी ऑफ पेनजीन, वाह वाह वाह। ऐसे करोगे हाँ? पेनजीन थ्योरी, चलो लैकुनी आर प्रेजेंट इन, ये तो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। लैकुनी कहाँ पाई जाती हैं? ऑल कनेक्टिव टिश्यूज विद सॉलिड मैट्रिक्स। और कौन से कनेक्टिव टिश्यू जिनमें सॉलिड मैट्रिक्स होता है? कनेक्टिव टिश्यू है तीन, ब्लड, बोन, कार्टिलेज। तो ब्लड में तो कोई सॉलिड मैट्रिक्स है नहीं, जो बोन और कार्टिलेज है बेटा ना, बोन और कार्टिलेज इनमें सॉलिड मैट्रिक्स पाया जाता है। अच्छा, बोन में जो लैकुनी, लैकुनी मतलब स्पेस, बोन में जो लैकुनी होती है वहां पर ऑस्टियोसाइट नाम की सेल पाई जाती हैं, और कार्टिलेज में लैकुनी के अंदर कॉन्ड्रोसाइट नाम की सेल पाई जाती हैं, और ये एनसीईआरटी ने आपको लिख के दिया भी है बेटा, है ना। चलिए, व्हाइल स्टडीइंग एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन ए फैमिली, इट वॉज नोटेड दैट हस्बैंड एंड वाइफ बोथ डिड नॉट सफर फ्रॉम द डिजीज बट देयर फादर्स हैड द डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कपल विल हैव ए गर्ल चाइल्ड विदाउट द डिसऑर्डर? ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपसे पूछा है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहा है। चलो देखते हैं जरा। इट वॉज नोटेड दैट हस्बैंड एंड वाइफ बोथ डिड नॉट सफर फ्रॉम डिजीज बट देयर फादर हैड द डिजीज। उनके फादर में डिजीज थी, और फादर में अगर डिजीज थी तो इसका मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ कैसे होंगे? कैरियर होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कैरियर होंगे, तो ऐसे लिखोगे ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। कैरियर है तो ऐसे लिख लो आप। तो कैरियर है तो दो दो जीन बनेंगे यहाँ पर, दो दो गैमिट बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, अब देखिएगा, पहले ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहां पर कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। अब क्वेश्चन पूछा गर्ल चाइल्ड कितनी ऐसी हैं जिनको डिजीज नहीं होगी। तो पहले आप ये देखिए बेटा कि इसमें एक ये बच्चा है जिसको बीमारी है, ये दोनों बच्चे कैरियर हैं, और ये वाला अनअफेक्टेड है ना, नहीं ये वाला नॉर्मल, सॉरी ये वाला नॉर्मल पर्सन है, ये दोनों कैरियर हैं, और ये वाला अफेक्टेड है, इसको बीमारी है, जो स्मॉल बी है ये अफेक्टेड है। तो अब चार बच्चों में से कितने अफेक्टेड हैं? चार बच्चों में से एक अफेक्टेड है, इसका मतलब ये हो गया कि थ्री फोर अनअफेक्टेड एंड 1/4 अफेक्टेड। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि इसमें मेल और फीमेल, तो हर प्रेगनेंसी में आप जानते हैं कि बच्चे के मेल या फीमेल होने की संभावना 1/2 होती है, तो बच्चों के अनअफेक्टेड होने की संभावना 3/4 है और लड़की होने की संभावना 1/4 है। तो ये आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा? 3/8 आंसर आएगा। इसमें भी तुम लोग तुक्का मारे हो ना, जैसे मैंने 3/4 निकाला तुम लोगों ने बी आंसर किया ना, सही बताओ, सही बताओ, ऐसे किया ना। आपसे पूछा कितने परसेंट बच्चों में, कितने परसेंट लड़कियां ऐसी होंगी जिनको डिजीज नहीं होगी, तो 3/4 बच्चे ऐसे हैं जिनको डिजीज नहीं होगी। लेकिन अब 3/4 में से 1/2 बच्चे लड़के लड़कियां होंगी, 1/2 लड़के होंगे। अगर इस क्वेश्चन में यह कहता कि कितने परसेंट बॉय चाइल्ड विदाउट डिसऑर्डर, तब भी यही आंसर आता। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहता कि कितने परसेंट बच्चों को बीमारी है, तो 1/4 आंसर आता। अगर कहता कितने परसेंट लड़कियों को बीमारी है, तो 1/4 × 1/2 और आंसर आता 1/8। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि विल हैव ए गर्ल चाइल्ड विद द डिसऑर्डर, आउट हटा दीजिए इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आउट हटाते ही इसका आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़े तगड़े हैं आज के, लग रहा है ज्यादा खाया पिया इन्होंने। चलो, हाइब्रिड ब्रीडिंग कुछ याद आया?
हायोलेड हाइब्रिड ब्रीडिंग कुछ मेज में की गई थी, याद है? डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस, और वाटर स्ट्रेस ही क्या, ड्रॉट स्ट्रेस, सूखे से। तो ये हाइब्रिड ब्रीडिंग बेटा मेज में कराई गई थी, जो वाटर या ड्रॉट स्ट्रेस से रेजिस्टेंट है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 29 के लिए। इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट सीड डज नॉट कंटेन एनी रेमेनेंट ऑफ, करें ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में सीड में किसका रेमेनेंट नहीं होता है, न्यूसिलस का रेमेनेंट नहीं होता। रेमेनेंट ऑफ न्यूसिलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म ब्लैक पेपर और बीट में पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर एंजियोस्पर्म में रेमेनेंट ऑफ न्यूसिलस नहीं पाया जाता है सीड के अंदर। बेटा माइक्रोपाइल तो होगा ही, आउटर इंटेगमेंट आउटर सीड को टेस्टा बनाएगा, इनर इंटेगमेंट इनर सीड को टेगमेन को बनाएगा। माइक्रोपाइल में कोई चेंज नहीं होगा, ये माइक्रोपाइल ही रहेगा। और इसी के द्वारा जब सीड जर्मिनेशन होता है तो वाटर की एंट्री होती है, तो न्यूसिलस ज्यादातर में नहीं पाया जाता है। तुम लोगों ने इतनी गाली दी है ना कि मिनिस्टर साहब हो गए गुस्सा। उन्होंने कहा पेपर बनाओ तगड़ा, है ना, कट ऑफ जाए ज्यादा, कट ऑफ तगड़ा बनेगा तो कट ऑफ जाएगी कम, है ना। लेकिन चलो देखते हैं, व्हाट स्टेटमेंट अबाउट टैग पॉलीमरेज, तुम लोगों ने खूब ट्विटर पे उनको गालियां दी हैं, मैं देख रहा था। एक एक जी जी भर भर के जितना भी फ्रस्ट्रेशन था सब निकाल दिया, है ना। नीलम बाजपेयी बेटा देखिए, अनुराग सर फिजिक्स और केमिस्ट्री यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे और प्रीमियम पे भी पढ़ाएंगे, दोनों जगह, ठीक है, दोनों जगह। चलो टैग पॉलीमरेज के लिए पूछा है कौन सा यहां पर करेक्ट नहीं, मतलब इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन क्या है, इट इज यूज फॉर प्राइमर एक्सटेंशन टू सिंथेसाइज ए न्यू स्ट्रैंड, सही है। इट इज थर्मोस्टेबल एंजाइम एंड कैन सर्वाइव टेम्परेचर अप टू 125 डिग्री सेल्सियस, नहीं बेटा, ये 70 से लेके 90-95 डिग्री तक एक्टिव रह सकता है, ठीक है, और 70 डिग्री इसके लिए ऑप्टिमम होता है, ठीक है। तो 125 डिग्री पे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस इक्विटी का, से भी सही है। इट्स एडिशन एलिमिनेटेड द नीड ऑफ एड फ्रेश पॉलीमरेज इन एवरी पीसीआर साइकिल, तो बी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। विच ऑफ द स्ट्रक्चर आर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट की बात कर रहा, ध्यान देना। तो प्रोकैरियोट में क्या मीजोसोम होता है, सेलोजिक सेल वॉल होती नहीं, हो तो प्लांट में होती, राइबोसोम होते हैं बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होते प्रोकैरियोट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। इसमें तो गलती नहीं कर रहे तुम लोग नालायकों, इसमें तो गलती नहीं कर रहे हो। चलो इन पॉलीगोनम, ये बहुत बढ़िया सवाल है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोस है, कुछ याद आ रहा है बेटा, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोस है, 7 celled 8 न्यूक्लिएटेड, है ना, 7 celled 8 न्यूक्लिएटेड, ये जो एम्ब्रियो सैक है इसे कहते हैं पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक, स्ट्रॉस बर्गर ने खोजा था इसे, है ना। तो बताइए कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, बढ़िया सवाल है ये। देखिए एक चीज तो आप जानते हैं कि एम्ब्रियो सैक डेराइव फ्रॉम ए सिंगल चलाजल मेगा स्पोर, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाती है, एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचती है, ठीक है। और 3 जो डीजनरेट होती है वो माइक्रोपाइलर की तरफ वाली डीजनरेट होती है, चलाजल वाली केवल फंक्शनल बचती है। और पॉलीगोनम में ओव्यूल ऑर्थोट्रॉफस होता है, ये ध्यान दीजिएगा, पॉलीगोनम में ऑर्थोट्रॉफस ओव्यूल पाया जाता है। देखिए सबसे कॉमन टाइप का जो ओव्यूल होता है बेटा वो एनाट्रोपस होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल इज मोस्ट कॉमन, 82% एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, लेकिन सबसे कॉमन टाइप का जो सबसे कॉमन टाइप तो एनाट्रोपस है, लेकिन बेटा जो पॉलीगोनम में पाया जाता है वो ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। हाँ ये सबका गलत है, सबने एनाट्रोपस लगाया है। सम ऑफ द मॉलिक्यूल फाउंड इन एनिमल टिश्यूज आर ग्रुप्ड इनटू 3 लिस्ट, ठीक है, 3 लिस्ट दी गई हैं, 1, 2 और 3। विच लिस्ट इंक्लूड वन और मोर मॉलिक्यूल दैट ऑलवेज कंटेन नाइट्रोजन एटम, करें इन तीनों में से कौन सी लिस्ट ऐसी हैं जिनमें हमेशा नाइट्रोजन एटम होगा,
ग्लूकोज में होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल में होता है, नहीं होता है, ट्राइग्लिसराइड में होता है, नहीं होता है, पानी में होता है, नहीं होता है, ग्लाइकोजन में होता है, नहीं होता है, एंटीबॉडीज में बताओ, एंटीबॉडीज में होता है, बिल्कुल, एंटीबॉडीज तो प्रोटीन, और प्रोटीन में तो नाइट्रोजन होगा ही, एडिनिन, एडिनिन तो नाइट्रोजन बेस, इसमें भी होगा, फॉस्फोलिपिड में नहीं होगा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है तो इसमें भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में तो नहीं होगा, एमआरएनए तो न्यूक्लिक एसिड इसमें होगा, मोनोसैकेराइड में नहीं होगा। तो बेटा इन दोनों लिस्ट में आपसे क्या पूछा है कि विच लिस्ट इंक्लूड वन और मोर मॉलिक्यूल दैट ऑलवेज कंटेन नाइट्रोजन एटम। तो दूसरी और तीसरी लिस्ट में ऐसे मॉलिक्यूल हैं, दूसरी और तीसरी लिस्ट में ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें नाइट्रोजन एटम है। क्लियर? द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब इवेंट ड्यूरिंग माइटोटिक सेल साइकिल, इवेंट ड्यूरिंग माइटोटिक सेल साइकिल विच इज, वॉट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस इवेंट इन द माइटोटिक सेल साइकिल। तो पहला ऑप्शन क्या है, क्रोमोसोम माइग्रेट टू अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल। क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करते हैं, मतलब लेट टीलोफेज। क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्व एट द इक्वेटर, मतलब मेटाफेज। क्रोमोसोम कंडेंस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर यानी प्रोफेज। क्रोमोसोम सेंट्रोमियर डिवाइड, मतलब अर्ली टीलोफेज, सेंट्रोमियर तभी तो डिवाइड करता है। तो प्रोफेज सबसे पहले आ जाएगा, मतलब थ्री से शुरुआत करोगे, थ्री, फिर मेटाफेज आएगा, टू, फिर फोर और वन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ए प्लांट दैट इज, सारे जेनेटिक्स के सवाल यही लग रहा, टाल दिया आज। ए प्लांट दैट इज हेटरोजाइगस फॉर टू जीन वॉज सेल्फ, ए टोटल ऑफ 1000 सीड वर कलेक्टेड, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सीड हेटरोजाइगस फॉर द फर्स्ट जीन एंड होमोजाइगस फॉर द सेकेंड जीन। अच्छा मतलब वो कह रहा है कि ये प्लांट विद हेटरोजाइगस फॉर टू जीन, दो जीन के लिए हेटरोजाइगस है, मतलब आप ऐसे मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, दो जीन के लिए हेटरोजाइगस हो गया। एक जीन का हेटरोजाइगस मतलब कैपिटल ए स्मॉल ई, एक जीन का हेटरोजाइगस, दो जीन का हेटरोजाइगस ई हो गया, है ना। क्लियर बेटा इतनी बात। अच्छा अब क्या करें, इनकी सेल्फिंग करवा दी जा रही है, टोटल 1000 सीट कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक, इनकी सेल्फिंग करा दी जाती है, और सेल्फिंग कराने के बाद मतलब इनका क्रॉस करा दिया जाता है। तो क्रॉस कराओगे तो यहां से चार गैमिट बनाओगे, यहां से चार गैमिट बनाओगे, टोटल 16 प्रोजिनी बनेंगी बेटा, 16 प्रोजिनी बनेंगी, ठीक है। अब ये 16 प्रोजिनी यहां पर बनेंगी बेटा, इन 16 प्रोजिनी में से आपसे क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ सीड हेटरोजाइगस फॉर फर्स्ट जीन एंड होमोजाइगस फॉर सेकेंड जीन, मतलब वो ये कह रहा है कि हेटरोजाइगस फॉर फर्स्ट जीन, कैपिटल ए स्मॉल ए, नहीं हेटरोजाइगस, हाँ सही है, कैपिटल ए स्मॉल एंड होमोजाइगस फॉर द सेकेंड जीन, होमोजाइगस फॉर द सेकेंड जीन, इनके बारे में उसने पूछा है ना। पहले जीन के लिए कैसा होना चाहिए, हेटरोजाइगस, और दूसरे जीन के लिए होना चाहिए होमोजाइगस, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर आपको ये टोटल 14 प्रोजिनी बनानी पड़ेंगी एग्जाम में, अगर नहीं बनानी है तो आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि इस तरह के 16 में से चार प्रोजिनी मिलेंगे, 16 में से चार प्रोजिनी मिलेंगे, और आपको 1000 में से पूछा है, तो 16 में से चार, ठीक है, यानी चार में से एक, यानी हजार में से 250 हो जाएगा, तो 250 प्रोजिनी ऐसे मिल जाएंगे। शत्रुघ्न बेटा ये सब क्वेश्चन एनटीए का है ना, इतना कठिन क्वेश्चन मुझे उम्मीद नहीं कि नीट में आएगा, परेशान मत। स्पायरोमीटर ये कॉन्सेप्चुअल है, स्पायरोमीटर इज यूजफुल इन असेसमेंट ऑफ ऑल द फॉलोइंग पल्मोनरी फंक्शन एक्सेप्ट। स्पायरोमीटर के द्वारा कह रहे हैं कि हम सभी पल्मोनरी फंक्शन को एसेस कर सकते हैं, किसको छोड़कर, किसका पता नहीं लगा सकते हैं स्पायरोमीटर के द्वारा। तो स्पायरोमीटर के द्वारा बेटा हम एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम का पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सारी कैपेसिटी दी गई, रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है बेटा जो हमारे लंग्स के अंदर रहता है, जो कभी हम बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं, है ना। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है दैट इज ERV प्लस RV। तो अगर हम RV को मेजर नहीं कर पाएंगे, नाप नहीं पाएंगे, तो फिर हम FRC को भी मेजर नहीं कर पाएंगे,
यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को और रेजिडुअल वॉल्यूम को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस देयर आर टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन. हाउ मेनी साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन आर रिक्वायर्ड इन मियोसिस. मियोसिस में दो साइकिल चलती है न्यूक्लियर डिवीजन की, दो साइकिल चलती है सेल डिवीजन की, डीएनए रेप्लिकेशन की कितनी साइकिल चलेंगी. हाँ, 617 लोग हैं टॉप चैट में. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए सभी लोग, है ना. अब तुम लोग 70 दिन के लिए जागते रहना, सोना नहीं अब ज्यादा, ठीक है. पूरी अच्छी तरीके से लगे रहिए तो मेरे अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी आएगी, है ना, और सारे टीचर के अंदर ही एनर्जी रहेगी. कल मैं आपको सारे करेक्शन कराऊंगा, जितने भी एनसीईआरटी में करेक्शन है, कल दोपहर में 12 बजे मैं एनसीईआरटी के सारे करेक्शन कराऊंगा. दोनों एनसीईआरटी लेके बैठेगा. 3 यूनिट मैंने करवा दी है, बाकी 7 यूनिट के करेक्शन मैं आपको कराऊंगा, 1 घंटे 2 घंटे जो भी टाइम लगेगा, ठीक है. नहीं, रिकॉर्ड तो अभी रिकॉर्ड जो पहली मैराथन मैंने कराई थी तो उसमें रिकॉर्ड है 900 बच्चों का, है ना, वो रिकॉर्ड अभी नहीं टूटा, लेकिन टूटेगा, तुम लोग शेयर करोगे तो टूटेगा. तो रेप्लिकेशन बेटा कितनी बार होता है? 1 टाइम रेप्लिकेशन होता है. मियोसिस और माइटोसिस दोनों में रेप्लिकेशन केवल 1 बार होता है. और तुम लोग लाइक भी करते रहो जल्दी जल्दी से सारे बच्चों. और जो जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें. रिसोर्स पार्टिशनिंग वॉज गिवेन बाई, रिसोर्स पार्टिशनिंग कॉम्पिटिशन में केस दिया गया. रिसोर्स पार्टिशनिंग किसके द्वारा दिखाया गया? मैक ऑर्थर. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, याद है मैक ऑर्थर का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था? एक छोटी सी चिड़िया थी, है ना, वार्बलर्स, है ना, 5 species ऑफ वार्बलर. चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस आर नॉट करेक्ट. प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पूछा गया, ठीक. तो पहला ऑप्शन क्या है? During transcription, mRNA is synthesized from DNA nucleotide to have the same sequence of nucleotide as the DNA strand. नहीं बेटा, mRNA पे जो sequence होते हैं वो DNA के strand के complementary होते हैं, same नहीं होते हैं. During transcription, tRNA is synthesized from RNA nucleotide and carries codon. tRNA पे codon नहीं होते, codon तो mRNA पे होते हैं, tRNA पे anticodon होते हैं. During translation, mRNA is synthesized from RNA nucleotide to, करें, during translation mRNA is synthesized, नहीं बेटा, during translation protein is synthesized. During translation ribosome move on mRNA from 5 prime to 3 prime one codon at a time. Yes, ribosome move from codon to codon. तो ये सही है बेटा, और इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं इसके मूवमेंट को. तो आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 ये करेक्ट नहीं है, जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है. क्लियर बेटा? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैसेंजर आरएनए. चलिए, ये आपको सीक्वेंस दिया गया 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, ठीक है. आपसे आपसे क्या कहा गया है? अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया, मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं. कहा कि 6th कोडॉन, ध्यान दीजिएगा, 6th न्यूक्लियोटाइड, यहां पर जो 6th न्यूक्लियोटाइड है इज रिप्लेस्ड बाय एडिनिन. अब क्या होगा? अब ऑप्शन आप चारों पढ़िए और बताइए. छठा, ये वाला छठे नंबर पे ग्वानिन है, और अगर ग्वानिन को हटा के और यहां पर एडिनिन लगा दिया जाए, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन, तो क्या होगा? एयूजी शुरुआत में दिया गया है, तो एयूजी दिया गया तो मिथियोनिन के लिए कोड करता है, इनिशिएटर कोडॉन है. जी 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 था पहले, पहले जी 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 था, और अब क्या कर दिया गया? जी जी ए कर दिया गया, जी 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 से जी जी ए कर दिया गया, है ना. ऐसा पेपर आएगा 3 घंटे तो लग ही जाएगा बायो में, जब 2 घंटे मुझे लग रहा कराने में. तो जी 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 किसके लिए कोड करता है? ग्लाइसिन के लिए. और जी जी ए किसके लिए कोड करता है? ग्लाइसिन के लिए. तो इसका मतलब द सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द म्यूटेटेड प्रोटीन इज एग्जैक्टली द सेम एज द सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द ओरिजिनल प्रोटीन. क्योंकि ये जो म्यूटेशन है, क्या इसका नाम बता सकते हैं? दैट म्यूटेशन इज नेम्ड एज सेम सेंस म्यूटेशन. इसे कहते हैं सेम सेंस म्यूटेशन. एक नाम और होता है, दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज
साइलेंट म्यूटेशन, क्योंकि यहां म्यूटेशन तो हुआ लेकिन प्रोटीन पे उसका इफेक्ट नजर नहीं आएगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फोर कार्बन एसिड फॉर्मड ड्यूरिंग क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल में चार कार्बन वाले कौन कौन से एसिड बनते हैं उनका सीक्वेंस आपको बताना है, सही सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 42, साइलेंट म्यूटेशन भी कहते हैं, सेम सेंस म्यूटेशन भी कहा जाता है इसे। चलिए बताइएगा बेटा। देखिए इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो बच्चे ये सारी बातें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम सेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, ये सब क्लासरूम में बेटा मैं पढ़ाता हूँ, तो जिन बच्चों को लगता है कि उनकी बायो बहुत अच्छी तरीके से तैयार नहीं, तो क्लासरूम वीडियो लेक्चर परचेस कर सकते हैं, जिनकी कॉस्ट 25,000 है लेकिन अगले 70 दिनों के लिए उनकी वैलिडिटी रहेगी, केवल 3,000 रुपये में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उन क्लासरूम वीडियो लेक्चर को डेली बेसिस पर एक चैप्टर तैयार करते रहेंगे तो आप अपने नीट के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए जल्दी से। 42 का आंसर क्या होगा? दैट इज 42D आंसर होगा बेटा। सक्सिनिक एसिड बनेगा सबसे पहले अगर फोर कार्बन की बात करें, देन फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड देन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये चारों चार कार्बन वाले कंपाउंड है और क्रेब साइकिल में इसी सीक्वेंस में प्रोड्यूस होंगे। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड इज करेक्ट? पहला क्या है? सलाइवा इज प्रोड्यूस मेनली बाय थ्री ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, थ्री नहीं थ्री पेयर। द लीवर इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट लेटरल टू डायफ्राम, नहीं बेटा जस्ट बिलो द डायफ्राम। द कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, सही है। द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, नहीं बेटा एल्केलाइन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एक कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वूमेन हु इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर देयर प्रोजनी। अब कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं, कलर ब्लाइंड, वाह क्या शादी है, कलर ब्लाइंड मैन है, अच्छा महिला से जिससे शादी हो रही उस महिला को हीमोफीलिया की कैरियर है, वाह क्या मैरिज है उनकी, चलो खूब करवा लो बेटा। कलर ब्लाइंड मैन, चलो ये तो देखते हैं। कलर ब्लाइंड मैन और हीमोफीलिया, अच्छा तो मैन कह रहा कलर ब्लाइंड है, तो कलर ब्लाइंड मैन का मतलब है XCY, ये कलर ब्लाइंड मैन हो गया। फीमेल कैरियर है हीमोफीलिया की, तो ये कंडीशन हो जाएगी फीमेल की, कैरियर ऐसी होगी फीमेल और कलर ब्लाइंडनेस ऐसा होगा, दोनों ही एक्स सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आप चलो गैमिट बनाते हैं ना, गैमिट नहीं बना पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, सबसे पहला काम गैमिट बनाना, उससे पूछो जो गैमिट नहीं बना पाता है ना, कौन कौन सी टेक्निक फिर यूज होती है ना, AI, ICSI, तो गैमिट बनाना बहुत जरूरी है ना। चलो देखो अब क्या होगा, गैमिट बन गए, अब गैमिट बन गए तो बस क्रॉस करा दो, ये स्पर्म है ये एग है, क्रॉस कराओगे तो XHXC बनेगा, इसका क्रॉस इससे कराओगे तो XCX बनेगा, इसका क्रॉस इससे कराओगे तो XHY बनेगा, और इसका क्रॉस इससे कराओगे तो XY बनेगा, ठीक ये कंडीशन आ गई। अब जरा ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, 25% ऑफ प्रोजनी कैरी द जीन फॉर बोथ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, करें 25% प्रोजिनी ऐसी हैं जिनमें हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड दोनों का जीन, ये देखिए ये ऐसा प्रोजिनी है चार में से जिसमें हीमोफीलिया का जीन भी गया और कलर ब्लाइंडनेस का जीन भी गया, तो यानी पहला ऑप्शन तो मिल गया सही। दूसरा पढ़िए, 25% ऑफ प्रोजिनी कैरी ओनली द जीन फॉर हीमोफीलिया, 25% प्रोजिनी में केवल हीमोफीलिया का जीन है, ये देखिए इन चारों में से एक प्रोजिनी ऐसा है जिसमें केवल हीमोफीलिया का जीन है ना, तो ये भी यानी सही स्टेटमेंट हो गया। अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट, 25% ऑफ प्रोजिनी कैरी ओनली द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ओनली द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ये देखिए एक प्रोजिनी तीन में से ऐसी जिसमें केवल कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, और एक ऑप्शन बना देते, पांच दे देते, काहे चार दियो, हाँ तो ऑल हो जाएगा, एक और दे देते कि एक प्रोजिनी ऐसा है 25% जिनमें कोई भी जीन नहीं है, क्यों छोड़ दिया उसको,
फिर एक ई ऑप्शन बना देते, है ना? क्या शादी करवाई एंटी ने, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने भी नहीं देखा था। चलो डायग्राम यहां पर आपको दिखाया गया है दो अमीनो एसिड का, एक ये अमीनो एसिड है, दूसरी ये अमीनो एसिड है। दो अमीनो एसिड का डायग्राम आपको दिया गया और आपसे पूछा गया कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना इन दोनों के बीच में। तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किनके बीच में होगा, है ना? कौन से ग्रुप, ये ग्रुप वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, किसके बीच? ये देखो हर जगह वही बॉन्ड बनाने की बात हो रही है, कहीं शादी करवाए दे रहे हैं, कहीं बॉन्ड बना दे रहे हैं। खुशी बेटा, जो मैं 3000 में लेक्चर बता रहा हूँ वो बायो के हैं केवल, ठीक है? वो केवल बायो के लेक्चर की बात हो रही है। तो हाँ बताओ बताओ, चलो किसके बीच में बॉन्ड बनाओगे, बॉन्ड किसके बीच बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों? देखो जो पहली वाली अमीनो एसिड होती, ध्यान देना, जो पहली वाली अमीनो एसिड होती बेटा, है ना, पहली वाली अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरी वाली अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो इसका पहली वाली अमीनो एसिड ये है और इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप नंबर 2 है और दूसरी वाली में अमीनो ग्रुप कहाँ पे, नंबर 6 पे, यानी दूसरा और छठा, नहीं नहीं दूसरे वाले का अमीनो ग्रुप ये जो डायरेक्टली अल्फा कार्बन से अटैच होगा उसकी बात करें, ठीक? इस वाले NH2 को मत लीजिएगा, ठीक है? इस वाले NH2 को नहीं लेंगे, अल्फा कार्बन वाले NH2 को लेंगे, ठीक है? अल्फा कार्बन उसे कहते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, तो यानी 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में। अच्छा, अगर हम इसको पहली अमीनो एसिड मान ले, इसको पहली अमीनो एसिड मान ले और इसको दूसरी मान ले, तो उस केस में इसका कार्बोक्सिल ग्रुप यानी 5 और 1 के बीच में, तो दो कंडीशन हो सकती है, 5 और 1 के बीच बॉन्ड बन सकता है पेप्टाइड और 2 और 4 के बीच बन सकता है। तो कहो दोनों ऑप्शन नहीं दिए गए, 2 और 4 के बीच में, 5 और 1 के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। पेपर देखो कितना तगड़ा बनाया है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच, 45 क्वेश्चन अब हो पाए, विच वॉज नॉट यूज इन ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में किसका यूज नहीं किया गया था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ के आ जाएगा। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, बिल्कुल। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल। एग्रीकल्चर यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी, सोनालिका, कल्याण सोना, जया, रत्ना, गंगा, जमुना, बहुत सारी वैरायटीज है ना। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था 1960s में, मिड 1960s में, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आई थी 1972 में। तो इसका मतलब है ग्रीन रिवोल्यूशन में जेनेटिक इंजीनियरिंग का तो यूज नहीं कर सकते बेटा, कॉमन सेंस की बात है, हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों? चलो, प्रोकैरियोट दैट आर क्रेडिटेड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद इट्स नेटिव प्लाज्मिड, तो किसका यूज किया गया था? ये तो आसान सवाल है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का यूज किया गया था। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या नीट फिर से पोस्टपोन हो सकता है, अब एक कैंपेन और चलाओ कि इतना टफ पेपर मत बनाओ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। ये क्या है बेटा, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना क्या जानते हो बेटा? ये वही है जब तुम लोग चिल्लाते हो तो उसका हार्ट फेल हो जाता है, कॉकरोच, कॉकरोच को देखते हो और कॉकरोच को देख के लड़कियां ऐसे चिल्लाती हैं कि बेचारे का 13 चैम्बर जो हर्ट है वो फेल हो जाता है, इतनी तेज चिल्लाती हैं, है ना? कोरोना बाबा आप क्या चाहते हो, नीड ना हो? ये कोरोना वायरस बहुत को इंट्रोव्यूस बहुत काट रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 48 किया कुछ, क्या कह रहा है? A ring of 6 to 8 blind tubule called hepatic or gastric cecae is present at junction of foregut and midgut. सही है। The lower leaf is called labium and upper leaf is called labrum. ये भी सही है। Tegmina or mesothoracic wing that are opaque, leathery and dark. ये भी सही है। It has a vision known as mosaic vision with more resolution and less sensitivity. ये गलत है। यहाँ होगा less resolution और यहाँ जहाँ less लिखा यहाँ more sensitivity होगी। मोज़ेक विज़न में तो 1, 2 और 3 करेक्ट हैं केवल। क्वेश्चन नंबर, लड़के भी चिल्लाते हैं, अभी तो लड़के थोड़ी हैं वो, जो लड़का कॉकरोच देख के चिल्ला वो लड़के, लड़का मानोगे उसको?
ग्राफ शोज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम टू स्पीसीज ऑफ मैमल एस एंड टी। ये देखिए एक एस के लिए है और एक टी के लिए। बेटा एस में किधर की तरफ शिफ्टिंग है, लेफ्ट की तरफ, और टी आर की तरफ शिफ्ट। अब क्या पूछा गया है, विच स्टेटमेंट कुड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ स्पीसीज एस एंड स्पीसीज टी। पहला क्या है, स्पीसीज टी हैज हायर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन द आरबीसीज देन स्पीसीज एस। देखिए राइट शिफ्टिंग यहां पर आपको दिखाई गई है, तो राइट शिफ्टिंग यहां पर जो दिखाई गई इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टी टी स्पीसीज है इसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन, ये जो टी वाली स्पीसीज है बेटा ये हाई ऊंचाई पर है, ज्यादा ऊंचाई पर रहने वाली स्पीसीज, और ज्यादा ऊंचाई पर रहेगी। ये देखिए स्पीसीज टी मे बी लिविंग एट ए हायर एल्टीट्यूड देन स्पीसीजेस, और ज्यादा ऊंचाई पर रहेगी तो इसका मतलब क्या होगा, एल्टीट्यूड सिकनेस होगा, और उसको कंपनसेट करने के लिए हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ ऊंचाई पर जब कोई रहता है तो बेटा वहां पर हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन से एफिनिटी होती है वो घट जाती है, एफिनिटी घट जाती है। तो टी के लिए तीनों चीजें सही होंगी, टी में हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगा है ना, टी में एल्टीट्यूड सिकनेस भी होगा है ना, और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी भी कम होगी है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, तीनों ऑप्शन सही है, ए वन टू एंड थ्री तीनों सही है। विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन राइबोसोम, सेल का कौन सा पार्ट है जहां पर राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है राइबोसोम, बिल्कुल कौन सा, 70S। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कौन सा, 70S। न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में कौन सा, 80S। तो चारों जगह होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 51, विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द क्रेनियल नर्व गिवन बिलो। क्रेनियल नर्व, अच्छा ऑड ढूंढना है, तो ऑल्फैक्ट्री, ऑल्फैक्ट्री कौन सी बेटा, ऑल्फैक्ट्री इज द फर्स्ट क्रेनियल नर्व, दूसरी ठीक है, दूसरी है ऑप्टिक, तीसरी है ऑक्युलोमोटर, और ये है वेस्टिबुलो कॉकलियर ऑडिटरी नर्व नंबर 8। तो अब देखिए वन कैसी सेंसरी, टू कैसी सेंसरी, तीन कैसी है मोटर, और आठ कैसी है सेंसरी है। तो और ढूंढना है, तीन सेंसरी है एक मोटर, एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था 1, 2 और 8 ये सेंसरी होती हैं, 3, 4, 6, 11, 12 है ना, 3, 4, 6, 11, 12 ये मोटर होती हैं, और बाकी जो बची वो मिक्स्ड हो जाएंगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा है ना, ये सब याद करना पड़ेगा। इस पेपर में वैसे लग रहे हैं कि 75 सवाल एनसीईआरटी के बाहर के ही हैं। चलो ये देखो और खतरनाक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम और प्रोटीन यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो पहला हेलिकेज है, दूसरा टोपोआइसोमेरेज है, तीसरा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, चौथा डीएनए पॉलीमरेज है। तो हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज मेक हेलिकेज, हाँ हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करता है। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, टेंशन को रिलीज करता, अनवाइंडिंग करता है, इसलिए टोपोआइसोमेरेज को अनवाइंडेज भी कहते हैं ना, वैसे हेलिकेज को अनवाइंडेज कहते हैं, इसको डीएनए गायरेज कहते हैं। फिर ये जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या करती है, प्रिवेंट ओरिजिनल स्ट्रैंड फ्रॉम रिफॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर, और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एड डीएनए न्यूक्लियोटाइड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक भी बात अगर आपको पता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन 4D हो जाएगा। एक क्वेश्चन में सब पूछ लिया है मोहम्मद सहजाद कर रहे हैं, भाभी जी आपको याद कर रहे हैं। अच्छा तुम लोग पेपर करने का मन नहीं क्या तुम लोगों का, ये तो एक पेपर मैंने एनटीए 30 करा था याद है, उससे भी तगड़ा पेपर लग रहा है ना, एनटीए 30 वाले से भी तगड़ा लग रहा है। अच्छा मैं, ये तो बहुत आसान है, फाइसेलिया क्या कहते हैं, फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, फेशियोला लिवर फ्लू, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीज, जिसे आप कहते हैं जोंक, खून चूसने वाली है ना, खून चूसने वाली केवल जोंक ही नहीं होती और भी प्राणी होते हैं, चीटो प्लूरा दैट इज नेम्ड एज चिटन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, AC2A, AC2AC ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द दिस स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रियोल इज करेक्ट, पहला ऑप्शन क्या है,
देर आर टू सेंट्रियोल इन एनिमल सेल विच लाई परपेंडिकुलर टू इच अदर विद इन ए सेंट्रोमियर. नहीं बेटा, सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोसोम होना चाहिए था. दे हैव नाइन डबलेट, डबलेट नहीं ट्रिपलेट होते हैं सेंट्रियोल में. द सेंट्रल पार्ट ऑफ डिस्टल रीजन ऑफ सेंट्रोमियर, डिस्टल नहीं प्रोक्सिमल को हब कहते हैं. द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल. डी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी से क्वेश्चन देख के अखिलेश करें हर हर पेशेंट कृपया दूर रहे. इन ह्यूमन फीमेल सेकेंड पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड इन ओवम. सेकेंड पोलर बॉडी कब निकलती? जस्ट बिफोर. सेकेंड पोलर बॉडी तब निकलती जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन. जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? ओविडक्ट में, यानी फेलोपियन ट्यूब में. तो यानी विद इन फेलोपियन ट्यूब. पहला मियोटिक डिवीजन ओवरी में होता है, लेकिन सेकेंड मियोटिक डिवीजन कहाँ होता है? ओविडक्ट के अंदर. कुछ लोग ओवरी में कराए दे रहे हैं, घुस जाओ ओवरी करा रहे ना लाइक. कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ. लो पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया ये तो. सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर ब्लैंक ए बी एंड सी द थाइमस. क्वेश्चन नंबर 56. क्वेश्चन नंबर 56, चलो जल्दी से करो. तुम लोग भी परीक्षा ले रहा है एनटीए वाला, पूरा कायदे से पूरी तबीयत में है. अच्छा क्या कह रहा है? थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द रोटा. बी, यानी बी मतलब थाइमस ग्लैंड तो थाइमोसिन को सिक्रेट करेगा. दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट व्हिच प्रोवाइड्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी and also promote antibody production which provide the humoral immunity. Hi. तो correct answer क्या हो जाएगा? That is C option हो जाएगा correct. Clear बेटा? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ में तो नहीं है? Question number 57. Which of the following statement are incorrect? Paper तो बेटा पूरा ही होगा, है ना? चलो बताओ जल्दी से कौन सा statement incorrect है? क्या पहला option दिया है? For rapid decline in death rate is the only reason for population explosion. नहीं बेटा, चार reason है. Rapid decline in death rate, increase in the birth rate, है ना? इसके अलावा जो health facilities हैं वो बढ़ती जा रही. The marriageable age decided by the government is 18 year for female and 21 year for the male. हाँ, तुम लोग हो चुके हो. The ideal contraceptive is one of that reduces the sexual drive of the user. नहीं बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सेक्सुअल ड्राइव को रिड्यूस नहीं करना चाहिए. द वन चाइल्ड नॉर्म हैज मोस्टली बीन अडॉप्टेड बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज. नहीं बेटा, अर्बन एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वन चाइल्ड नॉर्म को नहीं अपनाते हैं. अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में अपनाते हैं, रूरल एरियाज में लोग पूरी टीम बनाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट. तो एक को छोड़ के तो बाकी सब गलत है. शादी वाला पॉइंट छोड़ के बाकी तो सब हो गया गलत. तो पहला भी गलत, तीसरा भी गलत और चौथा भी गलत, क्योंकि गांव वाले रूरल एरियाज में बनती है पूरी की पूरी टीम. चलो तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्वाइंट इज इनकरेक्ट. चलो देखते हैं. शोल्डर ज्वाइंट is a type of ball and socket joint. बिल्कुल सही. Fibrous joint do not permit any movement. बिल्कुल सही. Cartilaginous joint allow considerable free movement. नहीं बेटा, cartilaginous joint allows limited movement. Yes, limited याद आ गया मुझे. Considerable movement तो synovial joint कराता है. तो ये तो हो गया गलत, यही पूछा है. सैडल ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब. एकदम सही है. क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लास ऑफ वर्टिब्रेट एंड प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय इट. क्लास ऑफ वर्टिब्रेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एप्स एंड रेप्टाइलिया. सही है. ओविपेरिटी, कॉन्डिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस. बेटा कॉन्डिक्थिस में वीवी पेरिपैथी सार्क में. पॉइक्लोथर्मी, एम्फीबिया और मैमेलिया. मैमेलिया में तो होम्योथर्मी पाई थी, थ्री चैम्बर हर्ट. एम्फीबिया एंड एप्स, बर्ड में फोर चैम्बर होता. तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 60. ए हेल्दी मेल हैज गॉट नॉर्मल स्पर्म काउंट.
एक हेल्दी मेल है जिसमें नॉर्मल स्पर्म काउंट है, हाउएवर ही इज अनेबल टू इंसेमिनेट, लेकिन वो इंसेमिनेशन नहीं कर सकता, क्या जिंदगी होगी सोचिए। स्पर्म का काउंट नॉर्मल है, इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा बेचारा, तो अब इसको मदद लेनी पड़ेगी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तुम्हारी मदद नहीं लेने आएगा, लेकिन तुम डॉक्टर बन जाओगे तो मदद लेने जरूर आएगा, ERT टेक्निक की मदद लेगा। तो क्या सजेस्ट करोगे, आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप उसको क्या बेस्ट सजेस्ट करोगे कि क्या करना चाहिए? तो उसको करना चाहिए कौन सी टेक्निक, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज किया जाना चाहिए, AI टेक्निक। अगर दो चीजें मैंने बताई थी, स्पर्म काउंट अगर कम है या मेल फीमेल को इंसेमिनेट नहीं करा कर पा रहा है, तो उस केस में AI टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर शादी की बात, फॉलोइंग कोरिलेशन आर इनकरेक्ट। चलो, देर आर 7 फ्री सर्वाइकल वर्टिब्री एंड 7 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। नहीं बेटा, सर्वाइकल वर्टिब्री तो 7 होती हैं, लेकिन सर्वाइकल स्पाइनल नर्व तो 8 होती हैं बेटा, है ना, 8 पेयर होती हैं। तो यहां 7 पेयर लिखा हुआ, ये 8 हो जाएगा, है ना। जो हमारी देखिए वर्टिब्री जो होती है बेटा, वो 26 वर्टिब्री होती है, जिनमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं। जो स्पाइनल नर्व होती है वो 31 पेयर होती है, जिनमें 7 स्पाइनल नर्व, 7 पेयर स्पाइनल नर्व सर्वाइकल नेचर की होती है ना। 8, 12, 5, 5, 1, ये होता है सीक्वेंस स्पाइनल नर्व का, सर्वाइकल, थोरेसिक, लैम्बर, सैक्रल एंड कॉकिजियल। और अगर वर्टिब्री की बात करें तो 7, 12, 5, 1, 1 गिन लीजिएगा, 7, 5, 12, 12, 5, 7, 5, 12, 19, 5, 24, 25, 26 हो गई, और इनको गिन लीजिए 8, 12, 20, 20, 5, 25, 5, 30 और 1, 31। तो 31 पेयर स्पाइनल नर्व और 26 वर्टिब्री, 26 पेयर नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, मैं खाना वाना खा के एकदम फिट हूँ, क्लास चलने दो आज। इन फोटोसिंथेसिस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर यूटिलाइज्ड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर रिलीज्ड व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। द ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन ग्लूकोज केम फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन, जोटू नहीं बुला रहा है पूरा खाना वाना पानी वानी सब लेके फिट हूं मैं, बैठा हूं, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता था इतना खतरनाक पेपर होगा। अच्छा बेटा, अब ध्यान दो, यहाँ पर रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब आप जानते हो जो ऑक्सीजन में O2 में ऑक्सीजन होता है, ये तो वाटर से आता है बेटा, तो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन होता है C6H12O6, ये कहां से आता है बेटा, ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर आप करोगे ना, 62 का आंसर ए होगा, फिर वाटर में सब लोग जा रहे हो, क्वेश्चन में वो पूछा है ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन ग्लूकोज, नालायकों, वही बस एक याद है कि वाटर से आता है, बस क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं कि क्या होगा, नालायक, इतने नालायक हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, अमीबियासिस प्रोटोजोआ से होता है, एस्केरेसिस एस्केल्मिन से होता है, फाइलेरियासिस एस्केल्मिन से होता है, कॉमन कोल्ड वायरस से होता है। तो बैक्टीरिया से कौन कितनी बीमारियां हो रही, 2 हो रही, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? इन द गिवन डायग्राम द सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस, ये लो फिर आ गया टेस्टिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अबव डायग्राम इज करेक्ट। अब लो, तो दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, हाँ इसमें तो दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये ए दिखाया गया है, और ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई दे रहा है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो यहाँ कौन सी सेल होगी, लेडिक सेल ही तो होगी बेटा, ये लेडिक सेल ही तो होगी, है ना, और इसके लिए ए लिखा है यहाँ पर, है ना, ये ए लिखा हुआ है। अब कह रहा करेक्ट पूछा, तो कह रहा ए इज स्टिमुलेटेड बाई FSH, ए इज स्टिमुलेटेड बाई FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो लेडी सेल को तो बेटा LH स्टिमुलेट करता है, FSH तो नहीं करता, तो गलत हो गया। अब कह रहा बी,
बी, अब देखिए बी अंदर की सेल है, ये स्पर्मेटोगोनिया, और लिखा बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, गलत है, ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, क्लियर। फिर कह रहा है सी इज डिप्लॉयड जर्म सेल विच गिव राइज टू गैमेट, बेटा सी जो है वो स्पर्मेटोगोनिया ही एक्चुअली, स्पर्मेटोसाइट आपको दिखाई गई है या स्पर्म दिखाई गए हैं, तो ये हैप्लॉयड हो जाएगा, डिप्लॉयड नहीं होगा। एंड डी, डी जो यहाँ दिखाई गई है बेटा ये सर्टोली सेल है, और लिखा है डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग स्पर्म, ये करेक्ट ऑप्शन है। वैसे ऑप्शन क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, फिगर उतना क्लियर नहीं होगा। हेट्रोसिस्ट, अच्छा जब मैं सी ऑप्शन तक करा देता हूँ कि चाहे ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत, तो आप ऑप्शन क्या करें, तो डी 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 डी, तुरंत तुरंत तुरंत, ये रिस्क करें सर, ये पेपर हमारे लिए नहीं बना है, टीचर के लिए बना है। अब ये क्वेश्चन देखो ना कितना आसान है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हेट्रोसिस्ट इन नॉस्टॉक, नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट लोकेटेड टर्मिनली, नहीं बेटा हेट्रोसिस्ट किनारे नहीं पाई जाती, ये बीच में पाई जाती, बीच में ऐसे हेट्रोसिस्ट पाई जाती है, तो गलत हो गया। डोंट हैव क्लोरोफिल, बिल्कुल बेटा क्लोरोफिल तो होता नहीं, दीज आर ग्रीन सेल, नहीं बेटा क्लोरोफिल नहीं तो ग्रीन कैसे होगा। हेल्प इन सेक्सुअल प्रोडक्शन, नहीं बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट, हाँ सी कर लो बस, नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा नहीं कि जाके गिर गए। अरे ये भी तो देखो, दीज आर ग्रीन सेल, ग्रीन क्यों होंगी बेटा, ये क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट सेल होती है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, बी इज द करेक्ट, डो नॉट हैव क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 66, ये तो बहुत आसान है, ए इज प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट, बी इज यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 में क्या करोगे बेटा, स्टेटिन, स्टेटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस एंड एक्ट एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गिवन बिलो आर द स्टेप इन्वॉल्व इन पार्चुरेशन, लो फिर आ गया पार्चुरेशन, लो बच्चे का जन्म होने लगा, शादी बारात सब करवा दी और बच्चे के जन्म तक बात पहुंचा दी है, है ना, इसी पेपर में प्रॉपर सीक्वेंस बताना है, पूरे सीक्वेंस में चलना है, कहीं सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करना है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, ओरिजिनेशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम द फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, वन सबसे पहले ये काम होगा। इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 67, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद होगा द इंडक्शन ऑफ माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि स्ट्रॉन्गर यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन कॉजेज फर्दर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड फिर एक्सपल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम बर्थ कैनाल, बच्चे का हो गया जन्म। तो करेक्ट सिक्वेंस क्या मिला आपको, 3-3-1-3-1, एक ही ऑप्शन में दिया भी गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा बच्चों, कुछ समझ पा रहे, विच ऑफ दिस पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक, बेटा एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट, सिनर्जिस्टिक मतलब सेम, एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट। तो देखिए ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में एल्डोस्टेरोन और एएनएफ, एल्डोस्टेरोन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, एएनएफ कम करता, तो एंटागोनिस्टिक हैं। इंसुलिन और ग्लूकागन ग्लूकोज मेटाबोलिज्म, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, ग्लूकागन बढ़ाता है, तो ये भी एंटागोनिस्टिक हैं। कैल्शियम मेटाबोलिज्म, पैराथार्मोन कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन कैल्शियम को बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन कम करता है, तो ये भी एंटागोनिस्टिक हैं। इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी फॉर्मेशन, थायरोक्सिन भी प्रमोट करता है, इरिथ्रोपोइटिन भी प्रमोट करता है, तो दोनों सिनर्जिस्टिक हैं, एंटागोनिस्टिक नहीं है। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। चलो अबाउट स्टेटमेंट अबाउट कैंसर, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स वन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिए बड़ी जल्दी जल्दी, कैंसर से लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, एकदम सही बात है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस इज मोस्टली फाउंड इन बिनाइन, नहीं बेटा एम फॉर मेटास्टेसिस, एम फॉर मैलिग्नेंट। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल अकर ओनली बिकॉज ऑफ केमिकल एजेंट, नहीं बेटा केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल तीनों तरह के एजेंट होते हैं। द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक इज द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, एकदम सही है। तो ए ट्रू, बी फॉल्स, सी फॉल्स, डी ट्रू, करेक्ट ऑप्शन ए निकल के आया, हो गया क्लियर। चलिए 70 पास 20 सवाल और।
विच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट अबाउट प्रोटोजोअन? एंटमीबा स्पोरोजोवा? नहीं बेटा, एंटमीबा अमीबॉयड है। प्लाज्मोडियम स्पोरोजोवा? ट्रिपेनोसोमा सिलिएटेड? नहीं बेटा, ट्रिपेनोसोमा फ्लैजिलेटेड है। पैरामीशियम सिलिएटेड? ट्रिपेनोसोमा फ्लैजिलेटेड, ये सही ऑप्शन मिला। एंटमीबा सिलिएटेड नहीं होता है, प्लाज्मोडियम फ्लैजिलेटेड नहीं होता है ना, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोवा होता है, एंटमीबा अमीबॉयड का एग्जाम्पल होता है। सब एनसीईआरटी में दिए गए, ये सब एनसीईआरटी में। इन ह्यूमन इनहिबिन हार्मोन, अब इनहिबिन हार्मोन जान लीजिए, मेल में इनहिबिन का हार्मोन का सिक्रीशन सर्टोली सेल करते, फिर पहुंच गए टेस्टिस में, और ये देखो इधर चलो ओवरी में, फीमेल में ग्रेनुलोसा सेल जो होती हैं, कुछ फॉलिकल में पढ़ते नहीं, ग्रेनुलोसा सेल सराउंड करती हैं, प्राइमरी फॉलिकल बनती है, सेकेंडरी फॉलिकल बनती है ना। तो इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ FSH from pituitary but does not inhibit the secretion of GnRH from the hypothalamus. ये ऑप्शन याद कर लीजिए क्योंकि आप में से मैक्सिमम को पता नहीं होगा। During the transport of water, the value of which of the following is always negative? हमेशा माइनस में कौन जाएगा? फिजिक्स, हमेशा माइनस में कौन जाएगा बेटा? Solute potential is always negative. अब मुझे बताओ प्रेशर पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव? मैंने सल्यूट पोटेंशियल बता दिया ऑलवेज निगेटिव, इसका आंसर तो आ गया। मुझे बताओ प्रेशर पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? प्रेशर पोटेंशियल कैसा होता है बेटा, प्रेशर पोटेंशियल कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 72, जल्दी से आंसर करो। हाँ अनुराग ने सही आंसर किया है, अनुराग ने सही आंसर किया, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन यूजुअली पॉजिटिव होता है, वो दोनों सकता है, ज्यादातर पॉजिटिव होता है। मैंने पूछा था कैसा हो सकता है, दोनों हो सकता है। आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट दैट आर रिक्वायर्ड, द न्यूट्रिएंट हेल्प इन यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम बोरॉन, द न्यूट्रिएंट इज द कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम मॉलिब्डेनम, द न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर MnCl। ठीक है अब ढूंढ लो, पहले ऑप्शन में क्या आएगा, बोरॉन मॉलिब्डेनम, और ये देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉकलिया विल बी फिल्ड विद एंडोलिम्फ, स्केला टिम्पेनाई स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ होता है, इन दोनों में तो पेरिलिम्फ पाया जाता है, लेकिन जो स्केला मीडिया है इसमें एंडोलिम्फ पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व, कहां पर CO2, ये क्वेश्चन तो एनटीए ने कई बार पूछा है और कई बार मैंने करा है, बताइएगा कहां पर CO2 इवॉल्व होती, ग्लाइकोलिसिस में होती, नहीं लिंक रिएक्शन में होती, बिल्कुल लिंक रिएक्शन क्या है, पाइरुविक एसिड से स्टाइल को एंजाइम ए का बनना है ना, पाइरुविक एसिड में 3 कार्बन, स्टाइल को एंजाइम ए में 2 कार्बन, 1 कार्बन कहां गई, CO2 के फॉर्म में निकल गई। क्रेब्स साइकिल में तो अल्फा के आगे पीछे कितनी बार मैंने बताया है कि अल्फा के आगे पीछे CO2 निकलती ही है, तो यहां भी निकलेगी। ETS में कोई CO2 रिलीज नहीं होती है, तो CO2 कहां कहां निकलती है बेटा, दूसरे में और तीसरे में, लिंक रिएक्शन में और क्रेब साइकिल में। एस वी गो फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर ऑफ डाइकॉट रूट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टिश्यू दैट वी विल एनकाउंटर इज, बाहर से चलना है तो कॉर्टेक्स तो सबसे बाहर होता नहीं, सबसे बाहर एपिब्लेमा, रूट की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, अब यहां मामला फंसेगा, एक में मेटाजाइलम एक में प्रोटोजाइलम, अब यहां रूट से पहचानिए, रूट में एक्जार्च कंडीशन होती है जाइलम की, और एक्जार्च में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे होता है, बाहर की तरफ होता है, मेटाजाइलम पित की तरफ होता है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ समझ पा रहे हो। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन 25% ऑफ कार्बन इज लॉस्ट इन, फोटो रेस्पिरेशन के समय 25% कार्बन, अब ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो याद ही करना पड़ेगा बेटा, 25% आपसे पूछा है कि कार्बन का लॉस कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, याद कर लो, ये मैंने भी कभी नहीं देखा इस तरह का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अबाउट वेरियस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज इज करेक्ट, पहला ऑप्शन है मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज IgM, नहीं बेटा IgG सबसे अबंडेंट होती है, कोड में बता दूं गैमडे है ना, गैमडे कोड होता है अबंडेंस के लिए, सबसे ज्यादा
IgG सबसे कम IgE, तो मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इज IgG एंड एंटीबॉडी विच इज लार्जेस्ट इन साइज IgM। मैंने पहले ही बताया है कि जो IgM है ये पेंटामर है, फिगर बना के मैंने दिखाया है NTA के मॉक टेस्ट में ही। तो सबसे लार्जेस्ट IgM होती है और सबसे अबंडेंट IgG होती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 79। द बेस्ट कैंडिडेट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन दैट इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, बैकुलोवायरस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइकस एंड पाइनस आर करेक्ट। साइकस और पाइनस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। स्टेम इन साइकस इज ब्रांच, गलत हो गया यहीं से। द स्टेम ऑफ साइकस इज अनब्रांच, सही है। While branched in pinus, the male and female strobili are present on same plant in pinus, monoecious, and while they are present in different plant in cycas, dioecious, correct option B आपको मिल चुका है। Question number 81, which of the following is correct about flowering in rice and wheat plant? Rice and wheat, तो rice बेटा होता है short day plant, और वीट होता है लॉन्ग डे प्लांट। कैसे याद रखोगे गेहूं धान को? आप ऐसे याद रखो, वीट में 5 लेटर है, लंबा वर्ड है तो लॉन्ग डे हो गया, राइस में 4 लेटर है, छोटा वर्ड है तो शॉर्ट डे प्लांट हो गया। इससे आसान कोई तरीका आपके पास नहीं है, कुछ बच्चे बेहोश हो रहे हैं बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 81, तो क्या होगा जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं बेटा उनके लिए क्या जरूरी होता है? वीट लॉन्ग डे है, नीड ए कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइट टू फ्लावर, वाइस राइस नीड ए कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस टू फ्लावर। तो बी ऑप्शन, जो लॉन्ग डे है उनको लॉन्ग पीरियड चाहिए लाइट का, और जो शॉर्ट डे उन्हें लॉन्ग पीरियड चाहिए डार्कनेस का। बेहतरीन सवाल मैं कहूंगा इसे, बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 82, बेहतरीन तो ऐसे बहुत थे। Which of the following scientists contribute to the viruses is correctly matched? जल्दी से ढूंढो कौन सा correctly match है। Beiserink demonstrated that the extract of infected plant of tobacco mosaic could cause infection in healthy plant and call this fluid as contagium vivum fluidum, infectious living fluid, बहुत सही है। Stanley showed that viruses could be crystallized and crystal consist largely of proteins, सही है। The name virus, that means venom or poisonous fluid, was given by Ivanovsky, सही है, सब सही है। तो D कर दो ना, जब सब सही है तो। हाँ, 82 का D कई बच्चों ने कर भी दिया है। बेटा 82 का जो A कर रहे हैं वो ये जान लें कि बेटा अब ये तीसरा स्टेटमेंट से ही पहले एनसीईआरटी ने पार्शियल लिखा था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कल करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर पहले एनसीईआरटी ने पार्शियल लिखा था, अब उसको हटा के इवानोवस्की कर दिया गया। अगर आपने पार्शियल याद कर रखा होगा तो आप ए ऑप्शन पे कूद रहे होंगे। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ अराउंड वैस्कुलर बंडल इज सीन इन। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ कहां पाई जाती है बेटा, जल्दी से बताओ। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ कहां पर होती है? मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ पाई जाती है। Which of these fungi does not have a branched and septate mycelium? मतलब unbranched और aseptate mycelium कहाँ पाया जाता बेटा? Phycomycete में। Phycomycete में unbranched है ना, और aseptate mycelium पाया था Phycomycete में। Phycomycete का member कौन है? Albugo, मैंने कोड बताया था राम, Rhizopus, Albugo and Mucor। Clear है बेटा? 84, 85। Read the following statement about the phytohormone and then identify it. They cause fruit like apple to elongate and improve their shape. They are used to speed up the malting process. They are used to convert genetically dwarf plant into tall. Malting से समझ में आ गया ना? Zibrelin के बारे में बात हो रही है, malting and bolting मैंने याद करा था। Corm, ये भी कोई पूछने वाली बात है। Corm is the modification of stem. तुम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन चाहते हो ना, कोलोकेशिया, घुइया जिसे आप कहते हैं। Which of the following type of root are correctly matched with their example? Apogeotropic root, rhizophora. Apogeotropic मतलब negatively geotropic, rhizophora sunracea में सही है। Absence of calyptra, lemna, सही है। Calyptra क्या करता है? Root cap को बनाता है, और lemna में root cap होता ही नहीं क्योंकि aquatic है। Lemna, Pistia, Iconia, मैंने ही करा NTA के mock test में। Velamen containing root, velamen tissue, vanda, सही है।
मोनिली फॉर्म रोड पॉटल्यू का सही है, तो सब सही है, यानी डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, सारे ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 88, गिवन बिलो इज द प्लांट एंड टू प्रॉपर्टीज ऑफ इट, विच ऑफ दीज ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ककंबर खीरा की बात हो रही, स्टेम टेंड्रिल पाए जाते हैं, यस बिल्कुल, डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड, बिल्कुल, द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अराइज अबो द ओवरी, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है आपसे, क्या पूछा है, इनकरेक्ट आपसे पूछा है। तो ये जो गॉर्ड होते हैं बेटा, अगर हम इनकी बात करते हैं, गोवा कुकम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, याद है ना, तो यानी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। रोज ओवरी हाफ इंफीरियर, गाइनोशियम इज पॉलीकार्पलरी एंड एपोकार्पस, ठीक है। प्लम पीच रोज हाफ इंफीरियर, लेमन में पॉली एडल्फस, बिल्कुल एनसीईआरटी ने दिया है, प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल आर अटैच्ड टू इट इन द मल्टीलोकुलर ओवरी, एक्सियल प्लेसेंटेशन सही है। कैस्टर द सीड हैज वन कॉटलीडन, द सीड हैज एंडोस्पर्म, सीड में एंडोस्पर्म तो होता है लेकिन ये डाइकॉट है बेटा कैस्टर, तो दो कॉटलीडन होंगे, यानी डी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछा गया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, नॉर्मली एल्गी सो ए हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल, फिर एल्गी में नॉर्मली हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, पॉलीसाइफोनिया एंड फ्यूकस आर एक्सेप्शन टू दिस रूल, द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग देयर क्लासेस एंड लाइफ साइकिल इज पॉलीसाइफोनिया। देखिए पहला ऑप्शन क्या, पॉलीसाइफोनिया इज ग्रीन, गलत, रेड है, पॉलीसाइफोनिया इज ग्रीन, गलत है, पॉलीसाइफोनिया इज रेड एल्गा विद हैप्लोडिप्लोंटिक, सही है, फ्यूकस इज ए ब्राउन एल्गा विद डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, सही। क्वेश्चन नंबर 89 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट नीस स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, कहां पर ज्यादातर समय के लिए जो इन्वायरमेंट है कॉन्स्टेंट रहा पिछले मिलियंस ऑफ ईयर से, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन, और इसीलिए ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, 2 घंटे का टाइम लगा इस पेपर को सॉल्व करने में, ओ माय गॉड, मैं मनाऊंगा भगवान से ऐसा पेपर नीट में तो ना आया है ना, वरना तुम लोग धाराशाही हो जाओगे। कट ऑफ जाएगा उस साल केवल कितना जाएगा, कट ऑफ 200 नंबर लेके आए और एम्स मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, 100 नंबर लेके आए हैं और सिलेक्शन हो गया है ना, तो हाँ तो पसीना छूट गया तुम लोगों का, मेरा नहीं। आज का पेपर थोड़ा ज्यादा टफ था, एक तो क्वेश्चन पेपर जो मैंने एनटीए का 30 करा था उसको एक बार देखिएगा, और ये जो आज मैंने कराया, बाप रे क्या पेपर था, धांसू पेपर था, एकदम पसीने छुड़ा दिए है ना। क्वेश्चन नंबर 39, ये पेपर है 39, याद रहेगा, बहुत बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन, लेकिन कुछ जेनेटिक्स के सवाल वाकई में बेहतरीन थे, और कुछ ना कुछ सीखा तो होगा ही बेटा आपने, है ना, कुछ ना कुछ सीखा तो होगा ही आपने, ऐसा तो है नहीं कि कुछ सीखा नहीं आपने, सीखा तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, है ना। तो अब हम लोग कल बेटा करेक्शन वाले क्लास जरूर करिएगा, कल दोपहर में 12 बजे हम लोग एनसीईआरटी में जितने करेक्शन दिए गए सारे करेक्शन में कराऊंगा, उस सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और फिर 3 बजे से आपकी मैराथन भी होगी, ठीक है, 3 बजे आपकी मैराथन भी होगी और 12 बजे मैं आपको करेक्शन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए कल हम लोग मिलेंगे बेटा, मुस्ताकर एग्जामिनर के पक्का लड़ाई हुई होगी उसकी वाइफ से, और बच्चों बेचारी जान निकाल लिए इस पेपर में, 2 घंटे लगा है, मैंने 11:06 पे मैं आ गया था, है ना, और 11:15 बजे मैंने कराना, 10:15 बजे मैंने कराना स्टार्ट कर दिया था, कल सारे करेक्शन एक ही साथ करा देता हूँ, खत्म करता हूँ, 3 यूनिट मैंने कराए थे, 7 यूनिट बाकी हैं, तो 7 यूनिट जो बाकी रहेगी उसके करेक्शन में करा देता हूँ बेटा आपको, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक जरूर करें, ठीक है, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लें, ठीक है, और उसके बाद बाकी चीज़ तो बता ही आपको, मैंने सारी चीज़ें बता ही रखी हैं, अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं।
हर्ष ने कॉन्क्लूजन निकाला कि 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे और 65 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से। अब ऐसे काफी टाइम हो गया, तुम लोग जाके सो, अगला दिन आ चुका है। ठीक है, एक दिन पूरा लग गया इस पेपर को करने में, दूसरा दिन आ गया। देखो सौम्या, हर्ष बता रहे हैं ना कि 65 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी से थे इस पेपर में। नहीं बेटा, पढ़ाने के लिए गुस्सा नहीं करेंगे भाभी जी। अच्छा सरिता कह रही है सर एचआरडी को बता दीजिए, अब इस बच्चे हैं टीचर नहीं। क्या खतरनाक पेपर था बेटा, क्रैश कोर्स में करा दूंगा, परेशान मत हो। थोड़ा सा मुझे सोचने के लिए टाइम दो, क्या क्या चीजें करनी है। मैंने आपके लिए प्लानिंग कर रखी है, फिजिक्स भी स्टार्ट करानी है, केमिस्ट्री भी, बायो भी। अनुराग सर कल आपसे बात भी करेंगे इस बारे में, है ना। नहीं, एक दो ऐसे पेपर रहे, देखो मैंने अभी तक करीब 35 से 40 पेपर करा दिए होंगे आपको, और एक दो पेपर ऐसे रहे हैं बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, कल गौरव मिंटी नहीं होगा, कल बेटा लाइव सेशन में ही होगा आपका। ठीक है, तो अच्छा आदित्य कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 में सी ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं। अच्छा चलो 71 चेक कर लेते हैं जरा, 71। अच्छा इंटर, चलो 71 आ गया। 71 में क्या पूछ रहे बेटा, सी सी नहीं करेक्ट है ना, क्योंकि इनहिबिन जीएनआरएच को इनहिबिट नहीं करता है बेटा। ठीक है, अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दे रहा हूँ बेटा, ये देखो तुरंत आ गया लिंक, ये लो। ये लो व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन कर लो इसको बेटा। जो मैं वर्कबुक और डीपीपी आपको प्रोवाइड करता हूँ उसको भी करते रहो, है ना। अच्छा अस्मिता बेटा, कल सारी यूनिट का, पूरी एनसीईआरटी के 38 चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, 38 चैप्टर के। ठीक है, कल करेक्शन में सारा करा देता हूँ ताकि ये कहानी खत्म हो करेक्शन वाली। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया है, चलो दूसरा दे दूंगा, परेशान मत हो, मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ना तुम लोग, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे फिर ये सब कुछ आफत रहेगी ही नहीं बेटा। इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं कितने क्वेश्चन देखूं आपको, सोचो, है ना। और किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 84 में, क्या डाउट है बेटा 84 में, क्या डाउट है देखता हूँ 84 में क्या डाउट है इसमें। 84 में बेटा क्या डाउट है, इसमें पूछा है कि नॉट है वो, है ना, नॉट पूछा है ना कि किसमें ब्रांच्ड और सेपरेट माइसिलियम नहीं होता है, तो न्यूरोस्पोरा, अस्टिलेगो, कोलिटोट्राइकम। न्यूरोस्पोरा किसका मेंबर है, एस्कोमाइसीट का। न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसीट का मेंबर तो यहाँ तो होगा ही, अस्टिलेगो बेसिडियो का है और ये ड्यूटीरो का है, तो एस्को बेसिडियो ड्यूटीरो में तो ब्रांच्ड और सेपरेट माइसिलियम होता ही है ना। प्रिया क्वेश्चन नंबर 35, अच्छा देखता हूँ बेटा 35। बेटा इसको तो मैंने खूब अच्छे तरीके से 5 मिनट का टाइम लगा के एक्सप्लेन किया, एक बार वीडियो को फिर से देखना पता चल जाएगा। अच्छा संडे, संडे तो शुरू हो गया रे यार, संडे की 5 मिनट, पूरे 2 घंटे हो गए, पूरे 2 घंटे सेशन को हो चुके हैं। चलिए तो आज इसको कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं अभी यहीं पे, है ना। जल्दी से लाइक करो तुम लोग, निकलो फिर जल्दी से यहाँ से। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वरना नीट माता माफ नहीं करेगी। ठीक है, और अपने 10-10 दोस्तों को भी जरूर सब्सक्राइब कराना। ठीक है, और परसों से जो आपका प्रीमियम वीडियोस हैं वो भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और कल बाकी जो होंगी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ओके बच्चों, ओके 35 में क्या हो गया, 35 में क्वेश्चन बेटा पूछा है, सीक्वेंस पूछा है, तो इसमें क्या कंफ्यूजन है। प्रिया बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लग रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ 35 बेटा, हाँ 35 ही तो बता रहा हूँ, 35 में क्या ऑप्शन है, दिक्कत हो रही है। सीक्वेंस पूछा है आपसे, तो सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंस होंगे प्रोफेज में, फिर क्रोमोसोम एलाइन होंगे इक्वेटर पे मेटाफेज में, फिर क्रोमोसोम
क्रोमोसोम सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और फिर अपोजिट पोल पे जाएंगे, क्रोमोसोम माइग्रेट करेंगे अपोजिट पोल पे, तो बी ही तो होगा, और क्या हो सकता है। सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा, हाँ तभी तो अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम मूव करेंगे या सिस्टर क्रोमेटिड मूव करेंगे। अब क्या कह रहे हो 29, सब फिर से एक बार करवा लो नालायक हो, एक बार फिर से देख लेना इसको। हाइब्रिड ब्रीडिंग मेज में करवाई गई थी रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। अब वाटर की कमी होने का मतलब ड्रॉट, सूखा, ठीक है। बेटा अब इसको, अभी ये पेपर सेव हो जाएगा, ठीक है, अब इसको फिर से देख लेना एक बार, ठीक है। आपसे पूछा है कि प्रोकैरियोट में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो प्रोकैरियोट में मेसोसोम और राइबोसोम होता है, सेल वॉल और सेलोजिक सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। चलो अब ओके, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, लव यू बच्चों, कल फिर से मिलेंगे दोपहर में 12 बजे, बाय।